अजय, गुड इवनिंग। तो अभी आज जो होगा ना, वो इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपडेट हुए हैं। अपडेट का मतलब ICAI ने थोड़ा सा आंसर चेंज किया है। तो जिन्होंने मुझसे क्लास ले रखा है, उन्हें ये लेक्चर देखना जरूरी है कि क्या चेंजेस हुए। कुछ क्वेश्चंस में टोटल मिलाकर एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन नया है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें मैंने रन टेस्ट का, जिसमें मैंने जो फॉर्मूला है ना, सिंपल वे में करवाया हूं, पर पता नहीं ICAI उस फॉर्मूले पे नंबर दे या ना दे, तो उस पे क्या अपडेट होना चाहिए, वो क्वेश्चन है। और कुछ बीटा का क्वेश्चन है एक। तो इस तरह से तीन चार क्वेश्चन है जो हमें, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसे देखना जरूरी है सभी लोगों को जिन्होंने मुझसे क्लास लिया है। पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं कैग कॉलर फ्लोर का, ये वाला क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, जिसपे बहुत सारा बवाल मचा कि नहीं ऐसे होना चाहिए। चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, आगे क्या करना है। तो आगे जो करना वो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। पहले ये बता दूं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, लॉजिकली क्या है कैप कॉलर फ्लोर। सर, ये क्वेश्चन तो हमने कर चुका, मैंने टेस्ट लिया था, और मैंने टेस्ट अभी लिया हूँ, और उसमें भी बच्चे जो है वो पुरानी वाली मेथड से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे ना बच्चों को 0 नंबर मिला था एग्जाम में। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ये क्वेश्चन वापस आता है तो आप फंस जाओगे, फिर से 0 नंबर मिलेगा। तो प्लीज चेंज कर लीजिएगा आंसर। तो ये लेक्चर देखना सभी के लिए जरूरी है जिन्होंने मुझसे क्लास ले रखा है स्पेशली। तो पहला क्वेश्चन उठा रहा है, पहला क्वेश्चन नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर क्वेश्चन की बात। तो जो मैं बात करूंगा वो बात कर रहा हूं मैं कैप कॉलर और फ्लोर वाला क्वेश्चन। कैप कॉलर फ्लोर, कॉलर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आया हुआ था इस अटेम्प्ट में। हम जैसे करवाते हैं इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में, पहले वाले सजेस्टेड में जो आंसर था, जो सॉल्यूशन था, हमने भी वैसे ही करवाया, और आप लोगों ने मुझसे जो क्लास लिया उन्होंने वैसा ही किया होगा, पर इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड इस बार चेंज कर दिया। तो प्लीज आप लोगों को इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। पहले मैं कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर दूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये था, सुनना ध्यान से पहले। एक पर्सन है राम, ठीक है, ठीक है, और उसने किसी बैंक से उधार लेने का सोचा है, ठीक है। कितने रुपए, मन से बोल रहा हूं 10 लाख रुपए, और किस रेट पर, लाइबोर प्लस 0.5%। मतलब सर फ्लोटिंग रेट पे उधार ले रहा है। यस, कितना मंथ, 6 मंथ लाइबोर। 6 मंथ लाइबोर का मतलब समझ रहे हो? हाँ सर, हर 6 माह में हमें इंटरेस्ट देना होगा, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। किस रेट पर, बोले जो 6 मंथ लाइबोर का जो भी रेट रहेगा उसमें 0.5% एक्स्ट्रा। यहां तक कोई समस्या? इस बैंक से हमने उधार लेने का सोचा है, ठीक है, ठीक है। इस पर्सन को, राम को, और सर कितने ईयर के लिए, तो ये भी ले लेते हैं 3 ईयर्स के लिए। राम को किस बात का डर, कहीं लाइबोर बढ़, फ्लोटिंग रेट पे है तो कहीं लाइबोर बढ़ ना जाए। अगर लाइबोर बढ़ेगा तो राम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ज्यादा। तो इस टेंशन की वजह से राम क्या काम कर सकता है? तो राम ने मान लो कैप खरीदा, कैप समझ रहे हो? यस, कैप बाय किया। मैं कॉलर स्ट्रेटजी पे नहीं जा रहा, ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉलर स्ट्रेटजी है, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने कैप बाय किया। और कैप कितने परसेंट पे बाय किया? 7% पे। इसका मतलब क्या हुआ? राम ने कैप बाय किया है 7% पे। इसका मतलब अगर अगर लाइबोर का रेट किसी भी 6 महीने में 7% से ऊपर हो जाएगा, 7 से ऊपर, तो राम को जिससे कैप बाई किया उससे पे ऑफ मिलेगा। यहाँ तो ठीक है। इट मीन्स
7% से ऊपर गया लाइबोर, तो इधर से इधर हमें ज्यादा देना पड़ेगा, पर इधर से हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। डेट कौन सी है? डेट ले लेते हैं 1/7/2019, जिस दिन लोन लिया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम क्या है समझना बेटे ध्यान से, कि बाकी जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने क्या करवाया था। ये क्वेश्चन पहले का है, पहले क्या हुआ था पहले मैं वो डिस्कस कर लूं ताकि आपको याद आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, एक सात 2019 को लोन लिया है, कितने साल के लिए? 3 साल। तो ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल और ये हो गया 3 साल। और 6-6 महीने का है, तो 6 महीने यहां खत्म हो गए। सर कौन सी डेट में खत्म हो गए? 31/12/2019, और फिर ये आ गया हमारा 30/6/2020, फिर 31 यहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, सॉरी सर यहां का 31/12/2020, फिर 30/6/2021, यहां से यहां तक एक पीरियड, यहां से फिर 31/12/2021, फिर 30/6/2022। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, मतलब एक बार काउंट कर ले, ये 1 साल हो गया 30/6/2020, ठीक, ये 2 साल हो गया और ये हो गया 3 साल। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक हमें बात समझ में आती है। आगे क्या है? लोन कब लिया है? 1/7/2019 को बैंक से लोन लिया है, तो इस दिन 1/7/2019 को लाइबोर कितना है? मैं यहां मन से लिख रहा हूं, कोई भी पर्सन, यहां लिखा 6%, यहां लिखा 6.75%, यहां लिखा 7%, यहां लिखा 7.5%, यहां आ जाएगा 6.25%, यहां आ गया 5% और यहां आ गया 7.25%। मन से ये रेट किसका है? ये है लाइबोर का रेट। ठीक, यहां तक मैं गया। अब सवाल ये है कि मुझे जो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिस दिन लोन लिया, क्या उस दिन देना पड़ेगा? नहीं, किस दिन देना होगा? सर हमें इंटरेस्ट यहां पैड करना होगा, इंटरेस्ट पैड बैंक वाले को, इंटरेस्ट पैड किस पीरियड का? सर इस पीरियड का इंटरेस्ट पे करना है। सवाल सिंपल सा है, 6% के हिसाब से पे करना है कि 6.75% के हिसाब से पे करना है? इंटरेस्ट किस पे करना, 6% या 6.75? यही बार फंसे हुए। और कॉन्सेप्चुअल बताओ किस रेट पर पे करना होगा? जिस दिन लोन ले रहे हो उस दिन लाइबोर कितना था? 6%। ठीक, 6 महीने बाद कितना हो गया? 6.75%। तो किस रेट पे पे करना होगा? ठीक, कुछ बच्चों का कहना है 6.75% गलत है। वो भाई जिस दिन लोन ले रहा है उस दिन रेट क्या था? उस दिन 6% था, तो इसके हिसाब से चेक करोगे तो इसके हिसाब से चेक कीजिए, 6% के हिसाब से हमें पे करना है बैंक को, और 6% के हिसाब से मतलब 6+0.5%, 6+0.5% मतलब सर हमें 6.5% पे करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इट मीन्स रेट कहाँ का लिया जाता है? रेट उसी दिन का लिया जाएगा जिस दिन आपने लोन लिया है। रेट अगर आप यहाँ का ले रहे हो तो वो तो गलत है टोटली। ठीक सर, तो यहाँ 6 मंथ लिख सकते हो, लॉजिकली तो 6 मंथ लिख सकते हो। इट मीन्स कितना आ जाएगा? अगर मैं कहूं अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 10 लाख का 6.5% इंटू 6/12। लेकिन ICAI यहां मंथ में नहीं करता, ICAI यहां डेज में कैलकुलेट कर रहा है। तो डेज में कैलकुलेट कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? अब डे गिनना पड़ेगा। अब डेज कहां से? यहां से यहां का थोड़ी गिनेंगे, यहां से यहां का, तो यहां से यहां के डेज कितने होते हैं गिनना, काउंट कीजिए। और काउंट करते हैं जुलाई का, अगस्त, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल कितना होगा? टोटल काउंट कर लेते हैं,
31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 तो सर ये आ गया 184 डेज। तो यहाँ के डेज कितने काउंट हो गए? 184। इट मीन्स 184 डिवाइडेड बाय 365 तो 10 लाख × 6.5% × 184 डिवाइडेड बाय 365 तो सर ये आ गया 32767 रफली। ठीक है, यहां तक लॉजिक कॉन्सेप्चुअल मैम समझा। ठीक है सर, सर 7% से ऊपर जाएगा तो इसको पे ऑफ मिलेगा? यस। पर लाइबोर का रेट कितना है? 6%। क्या पे ऑफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक, इट मीन्स मेरा नेट इंटरेस्ट कितना जाएगा? 32767। फिर जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे इस पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस रेट पे? 6.75 + 0.5 मुझे देना पड़ेगा 7.25%। और यहां से यहां तक के डेज कितने होते हैं तो गिन लीजिए। कहां से गिनोगे? जनवरी से। तो काउंट करते हैं। मैंने कहा आराम से सुनना पड़ेगा भाई। जनवरी का 31 फेब 2020 चल रहा है तो फेब कितने दिन का होगा सर? 28 डेज का होगा कि 29 डेज का होगा? सर 29 डेज का होगा। प्लस मार्च, अप्रैल, मई और जून। डेज गिन लीजिए। 31 + 29 + 31 + 30 + 31 देन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर से 31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 182 डेज। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होगा 10 लाख × कितना परसेंट? 7.25% कितने दिनों का? 182 डिवाइडेड बाय, याद रखना 366 दिन लेना, 366 दिन। अच्छा सर, इस तरह से जो भी आएगा वो यहां पेमेंट होगा, पेमेंट यहां होगा। क्या कैप एक्सरसाइज होगा? हाँ सर, 7% से ऊपर 7.25% हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे कंपैरिजन नहीं करना है। मुझे कंपैरिजन किससे करना है? इससे करना है। कहाँ? ये तो 6.75% है तो कैप एक्सरसाइज नहीं होगा। इट मीन्स कैप एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मुझे ये वाला रेट नहीं देखना। मुझे कौन सा रेट देखना है? लाइबोर देखना। ठीक है यहां तक। इसी तरह से अगर यहां 7% हुआ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 7.5%। कैप एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा? नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये वाला डेज ये सुनना ध्यान से, इसका कैसे कैलकुलेशन। अब मुझे यहां पेमेंट करना, यहां पेमेंट करना तो मुझे 7.5 + 0.5 = 8% तो कैसे आएगा सर? 10 लाख का कितना परसेंट? 8%। कितने दिनों का? यहां से यहां के डेज काउंट करना पड़ेगा और डेज कितना होगा? 184 ही होगा। डिवाइड कितना करोगे? 365 दिन से डिवाइड कर दे। ठीक है, ठीक है सर। 10 लाख × 8% × 184 / 365 तो मुझे देना पड़ेगा इंटरेस्ट 40329। पर क्या अब कैप एक्सरसाइज होगा? यस। 7% से ऊपर हो गया लाइबोर का रेट तो मुझे कितना पे ऑफ मिल जाएगा? 0.5%। तो 10 लाख × 0.5% × 184 / 365 तो सर ये माइनस हो किया जाएगा 2520। इतना तो मुझे मिल जाएगा, इतना मुझे इंटरेस्ट देना है पर कैप एक्सरसाइज करने से इतना मिल जाएगा। तो 40329 - 2520 तो मुझे इफेक्टिव कितना पड़ेगा? 37
8 0 9, इस तरह से काम होता है। बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था अगर देखा जाए तो। सीधी सीधी बात है, बस एक चीज का याद रखना, एक ही चीज याद रखना है कि जिस दिन आप लोन ले रहे हो उस दिन जो लाइबोर का रेट है उसके हिसाब से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहां वाले रेट से। आगे आने वाले 6 महीने का जो कैलकुलेट होगा ना, डेज में कैलकुलेट करना आईसीआई वो करता, बस यहां के रेट से करना ठीक। और जो पे ऑफ मिलेगा वो इससे कंपैरिजन करना, इस पीरियड का पे ऑफ इससे कंपैरिजन, कैप एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, सिंपल था। आगे भी इसी तरह से होगा ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन है आईसीएआई का, जो पहले का क्वेश्चन है, पहले के प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन था। इस अटेम्प्ट से पहले हम ये वाला क्वेश्चन करवाया करते थे ठीक है। इसमें गलतियां थी पर गलतियों को हमने इग्नोर कर दिया था। गलतियां क्या थी सुनना ध्यान से। इसमें भी कितने मिलियंस का लोन लिया जा रहा है, 10 मिलियंस ठीक है। किस रेट पर फ्लोटिंग, कब लोन लिया जा रहा, 1 जुलाई 2013, और 6 मंथ लाइबोर प्लस 0.5 वैसे ही है। एक्स वाई जेड इंटरेस्टेड है, कॉलर स्ट्रेटेजी बोल रहा है, सेल कर रहा है, फ्लोर बाय कर रहा है, कैप ठीक है, यहां तक ठीक है, ये हमको कॉलर समझ में आता है। आपने कैप बाय किया और सेल किया फ्लोर, तो प्रीमियम कट गया। अब अगर मुझे कितने ईयर के लिए लोन है, 3 ईयर्स के लिए, तो अब इसको अगर मैं इसी डायग्राम में करूं, एक डायग्राम बना लेता हूं, तो मुझे कहां के से स्टार्ट करना पड़ेगा, लोन किस दिन लिया। सर लोन है 1 जुलाई 2013, तो यहां होना चाहिए था 1 जुलाई 2013, फिर यहां सर 30 से 14, फिर अगला सर 30 से 15, और लास्ट में क्या जाएगा 30 से 16 ठीक है। बीच में इंटरेस्ट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा ठीक है। अब मुझे यहां का रेट चाहिए, किस रेट पर लिया है, लाइबोर प्लस 0.5, मुझे यहां का रेट चाहिए ताकि आने वाले दिन का मैं कैलकुलेट कर सकूं। अब जब मैं यहां देखता हूं तो ये जो है ना, बाद में उसने रेट दिया 31/12/2013 का रेट दिया, ये एक समस्या है, 31/12/2013, इट मींस उसने रेट 6% दिया यहां का, 31/12/2013 यहां का रेट दिया 6%, और यहां का रेट सर यहां का रेट दिया ही नहीं है, और इसके बाद सारे रेट दिया है, कैसे करें सर, हमें 6 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस, उसने स्टार्ट कहां किया, अगर क्वेश्चन देखो तो 31/12/2013 से रेट दिया है 30/6/2016, 30/6/2016 की मैं बात कर रहा हूं, तो यह है 30/6/2016, 30/6/2016 यहां का रेट दिया, यहां का जो भी रेट दिया, और यहां का इधर यहां का रेट दिया नहीं है, तो यहां से फ्यूचर का तो मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए यार। यहां का रेट चाहिए, यहां का दिया नहीं है, तो यहां से 6 महीने का इंटरेस्ट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 ही बार हो रहा है, और यहां तो लोन का रिपेमेंट हो रहा है, तो ये वाला परसेंटेज हमारे काम का ही नहीं है, इसका क्या करोगे, इसके बाद वाले का तो आप ले ही नहीं सकते ना। तो एक ये मेरे मन में आया कि यार ऐसा करते हैं, इस पीरियड को इग्नोर कर देते, लिया यहां का लोन नहीं बताते हम, यहां का इंटरेस्ट के पे कितना हो रहा है यहां का नहीं बताते, यहां से यहां 1 2 3 4 और 5 बार का बता देते, बात खत्म। पर आईसीएआई ने क्या किया, उन्होंने इस 6% को यहां का ना लेकर यहां का माना और ये वाले डेज कैलकुलेट कर दिया 1 जुलाई से 2013, तो 1 जुलाई 2013 से 31/12/2013 के डेज कितने, इस तरह से उन्हें, अब उस कैलकुलेशन में आपको बता दे रहा हूं, सुनो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक, इंपॉर्टेंट है डेज, और डेज कितना काउंट किया उसने, डेज किया 184, इसका मतलब है कि वो जो रिटेड डेट है ना, वो ये ना लेकर उन्होंने 1 जुलाई 2013 लिया, जिस दिन का लोन था वो लिया।
31/12/2013 का रेट दिया है, पर हमने ये माना कि हो सकता ICAI से गलती हुआ हो, 1 जुलाई 2013 मान के हमने जो 6% है ना वो कहां से माना है, वो हमने यहां से और यहां के डेज कैलकुलेट कर लिया 184, फिर यहां के कितना जाएगा 181, इस तरह से हमने काम कर लिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैं डेज पर कैलकुलेट, मैं फोकस किस पे करूं, मैं डेज पे करूं, मैं इस कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं कि ये कैलकुलेशन उन्होंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कैलकुलेशन किया है ना ये, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। डेज पहले 1 जुलाई 2013 से 31/12/2013 तक, हालांकि गलत है, पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि गलती से डेट जो है वो आगे का लिख दिया, वो पहले का लिखना चाहिए। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब इंस्टीट्यूट ने का एक क्वेश्चन ये आया, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कुछ गलत नहीं, मतलब सर एक बार रीड करें कि यस इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया है, एक बार रीड करो इस क्वेश्चन। ये कितना मिलियन बोल दिया है, 50 मिलियन फ्लोटिंग रेट है, और किस दिन उधार लिया है, 1 जुलाई 2018। अगर इसको 1 जुलाई 2018 सिक्स मंथ लाइबोर, लाइबोर प्लस 0.5% इंटरेस्ट वगैरह ये सब बता दिया, कॉलेज स्ट्रेटजी स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया, 50 मिलियन है, सिक्स मंथ लाइबोर है, प्रीमियम सेट ऑफ हो गया। तो अब अगर इसको मैं ठीक से लिखूं, फिर से डायग्राम बनाता हूं, शायद बात समझ में आए, फिर से लिख रहा हूं। लोन किस दिन लिया, सर लोन लिया है 1 जुलाई 2018, ठीक है, तो 6 महीने कब खत्म हो गए सर, 30/6/19, फिर सर 30/6/20, और आखिरी में क्या आएगा 30/6/21, और बीच में 6-6 महीने में इंटरेस्ट देना है, तो एक बार यहां आएगा, 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 बस मुझे रेट कहां से, यहां से लेना पड़ेगा, यहां का यहां का यहां का, इस तरह से रेट। फिर क्वेश्चन जो है उन्होंने फिर से वही गलती किया और रेट 31/12/2018 का दिया, यहां का दिया है 7% यहां का दिया है, ठीक, यहां का कितना दिया है 8%, यहां का कितना दिया 6%, यहां का 4.75%, यहां का 4.25% और यहां का दिया 5.25%। सेम क्वेश्चन है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने दे रखा, हालांकि ये गलत है, रेट तो मुझे यहां से चाहिए था ना भाई। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कहा कि यार सर ने ऑलरेडी समझाया हुआ है, हम मान के चल रहे ये 7% यहां का नहीं है, यहां का रेट है, और यहां से यहां तक का दिन काउंट किया 31/12/2018, और यहां से यहां का डेज कितना होता 184 डेज, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया। कुछ बच्चों ने 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन किया, वो तो गलत है ही भाई, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले भी डेज के हिसाब से इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, तो आपको डेज के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर डेज कितना लेना चाहिए था 184, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पहले सॉल्यूशन में क्या था 184। लॉजिकली फ्यूचर वाला लेते हैं, अगर मैं कहता हूं लॉजिकली क्या लेना चाहिए था, लॉजिकली यहां का लेना चाहिए था, जहां से रेट पता लगा उसके बाद, तो ये पीरियड इग्नोर कर देते फिर, एक ये भी तरीका था। इंस्टीट्यूट ने इस बार बोले नहीं, ये तो लेना ही नहीं है, इसके बाद वाले डेज लेना। इट मींस जो सॉल्यूशन किया है उसमें जो डेज लिया है उन्होंने 181 डेज, मतलब उन्होंने कहां से कहां तक लिया, 31/12 से 30/6 फ्यूचर का लिया, और लॉजिकली होना भी चाहिए मैं मानता हूं। तो सर गलती हुई, यस, पर हमने कैसे पढ़ाया, जैसा इंस्टीट्यूट ने पहले दिया था वैसे हमने पढ़ा दिया, हमारा टेंशन खत्म। लेकिन इस बार ICAI ने सजेस्टेड चेंज किया और यहां से यहां तक का कैलकुलेट किया, मतलब 7% है तो कितना लिया होगा 7.5%, कितने दिन का कैलकुलेट किया होगा यहां से यहां तक, मतलब 181 डेज का कैलकुलेट किया, 181 डेज। उठाओ कैलकुलेटर, चाहो तो 181 डेज का कैलकुलेट करके देख लीजिए, 50 मिलियन का कितना परसेंट, 7.5%, तो 50 मिलियन इंटू 7.5% इंटू 181 डिवाइडेड बाई 184, आंसर इतना ही है, 50 मिलियन इंटू 7.5% इंटू 180 डिवाइडेड बाई 365, आंसर ये आ गया।
कुछ बच्चों ने जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी ने यहाँ सिक्स मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया, उसको जीरो नंबर मिला। कुछ बच्चों ने जैसा पहले इंस्टीट्यूट ने बनाया था वैसा क्वेश्चन बनाया और यहाँ 181 की जगह 184 डेज लिख दिया, जो कि सही था, पर उनको भी जीरो नंबर मिला। इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि भाई हमने सजेस्टेड चेंज कर दिया है, जो लॉजिकली है वही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काम हो रहा। 8% जो हुआ, अगर अब मैं इस डायग्राम को देखूं तो 8% यहां पता लगा, तो यहां से यहां तक की डेज, ठीक है, ठीक है। पर फिर एक बात और समझ में आती है, इट मींस अब मैं बैंक को जो इंटरेस्ट दूंगा इस पीरियड का, वो यहां पे होगा 30/6/2019 को, और लिखा भी है उन्होंने कि 30/6/2019 को पेमेंट होगा, मानता हूं, एग्री हूं इस बात से, 30/6/2019 को पेमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पेमेंट हो गया, लोन भले ही आपने यहां लिया है, यहां का पेमेंट पता ही नहीं, यहां का पेमेंट, तो चलो हम मान के चल रहे हैं कि चलो यहां का पेमेंट हमको नहीं बताना, वैसे यहां पेमेंट होना चाहिए पर रेट, यहां का रेट हमको नहीं पता, तो चलो ठीक है। तो यहां पेमेंट हुआ होगा, कितना हुआ होगा हमको नहीं मालूम, एक बार यहां पेमेंट, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, पांचवी बार यहां, छठवीं बार यहां, मतलब यहां जो पेमेंट हुआ होगा वो इस डेट में हुआ होगा 4.25% के साथ, और यहाँ पूरा लोन का रीपेमेंट हो गया है, 3 साल के लिए था। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ एक गलती किया इस सजेस्टेड में भी, कि यहाँ 31/12/2021 को क्यों पेमेंट कर रहे हो भाई, ये दिक्कत है बस मुझे, इससे दिक्कत है बाकी किसी, ठीक है। तो ये एक समस्या है। 2020 में उन्होंने 366 दिन लिया है, 366 दिन, मतलब 4.75 में प्लस कर देना 0.25, 184 डेज का कितना डिवाइडेड बाय क्या करना, 366 दिन करना, तब आंसर आएगा। मैं 365 के हिसाब से कर रहा हूं, जो फॉर्मूले में है वो गलत है। तो सर हमें करना क्या है ये बताओ, आगे जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने टेस्ट पेपर लिया, टेस्ट पेपर ने में बच्चों ने गलतियां किया, जो पुराना मेथड है वही सॉल्व किया, बट उस पर जीरो नंबर तो दे ही रहा इसीलिए, फिर हम क्यों उस पर, हमें क्या करना है। क्वेश्चन अगर आता है तो भाई साहब, क्वेश्चन आता है तो करना क्या है, अगर यहां का लाइबोर पता है, यहां का रेट पता है आपको, तो यहां से आगे आने वाले यहां के दिन काउंट करना पड़ेगा और यहां पेमेंट होगा आने वाले दिन का। यहां का लाइबोर, इस बार लाइबोर 7% यहां का दिया है, तो यहां से आने वाले दिन का काउंट करना पड़ेगा, डेज, नंबर ऑफ डेज। आप प्रीवियस वाला काउंट नहीं कर सकते जैसा पहले करते आ रहे थे, ठीक है सर। तो मतलब सर एक बार पेमेंट यहां होगा 7% के हिसाब से, एक बार पेमेंट यहां होगा 8% के हिसाब से, यस, आने वाले दिन काउंट करना। और यहां बेकार चीज है, नहीं बोलना चाहिए, पर आपको 5.25% आने वाले 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि लॉजिकली अभी भी गलत है सजेस्टेड, पर ठीक है, जैसा इंस्टीट्यूट करेंगे वैसा हम लोग भी करेंगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन पे फोकस करना, आपको आने वाले जो डेज कैलकुलेट हो रहे हैं ना, वो आने वाले दिनों का काउंट करना है, बस याद ना, प्रीवियस वाला काउंट मत कर देना। लॉजिकली सही है, पूरी तरह से सही है क्वेश्चन, बस यहाँ इस बात से मैं खुश नहीं हूँ। देना क्या चाहिए था, देना ये चाहिए था सर कि ये जो डेट है ना ये गलत है एक्चुअल में, देना ये 7% होना चाहिए था एक साथ, या 30/6/2018 का होना चाहिए था, बस अभी भी इंस्टीट्यूट की गलती है। पर ठीक है, मेरे ख्याल से जिन्होंने कैप कॉलर फ्लोर किया हुआ है उन्हें बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन में सुधार की जरूरत थी वो मैंने बता दी। इसके बाद एक रन टेस्ट है, उसमें भी मैंने फॉर्मूला, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला कहीं से डेरिवेशन करके निकाल के आपको बताया कि ये इजी फॉर्मूला है, पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रन टेस्ट में भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो इंस्टीट्यूट कर रहा है। एक्चुअली नंबर चाहिए तो नंबर के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो रन टेस्ट का वीडियो इसके बाद वो भी देखोगे। इसके बाद दो क्वेश्चन थोड़े से इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं जो मैंने स्किप हुए होंगे, तो वो दोनों क्वेश्चन भी इसी में मैं डाल दे रहा हूँ। तो ये चारों क्वेश्चन आपको देखना है किसी भी हालत। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ जी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, और मैंने कहा इसमें तीन चीजें करनी थी, एक था रन टेस्ट और एक था ऑटो कोरिलेशन टेस्ट और एक था सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। तो बात है रन टेस्ट की, जो बच्चे
पहले मेरी रेगुलर क्लास कर रखे उन्हें भी ये लेक्चर देखना होगा, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, जो जिनको यही लेक्चर दिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ मान लो ये अपडेटेड लेक्चर है, पर जिन्होंने रेगुलर क्लास ले रखा है, जिन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड क्लास भी ले रखा है, पहले क्लास ले, पहले क्वेश्चन, मतलब मैं कौन सा कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2022 में, तो आप समझ गए हो, अगर पहले क्लास ले रखे हो तो आज की ये वाली रन टेस्ट की क्लास देखना आपको जरूरी है। कुछ चेंजेस है, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है आईसीएआई का, तो मेरा ये मानना है कि इसमें मैंने कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले लगा रखे हैं, तो वो फॉर्मूले को यूज ना करके आईसीएआई वाला यूज करेंगे, हमें पूरे नंबर चाहिए, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है। करें स्टार्ट, तो क्या सभी लोगों को देखना है? यस, सभी लोगों को देखना है। अक्टूबर 2022 से पहले जिन्होंने क्लास ले रखा है उन सब लोगों को ये लेक्चर देखना पड़ेगा। तो सर क्या है रन टेस्ट, क्या है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, क्या है? मैंने ये कहा था कि सिर्फ चार्ट देखकर पास्ट ईयर में क्या हुआ है, उसी को देखकर अगर आप पता लगा लोगे, उसी को देखकर पता लगा लोगे कि फ्यूचर में शेयर का क्या होने वाला, शेयर बढ़ने वाला या शेयर का प्राइस कम होने वाला, तो ऐसा जो मार्केट है ये एफिशिएंट मार्केट नहीं। अगर आप पास्ट को देखकर फ्यूचर का पता नहीं लगा पा रहे, प्राइस को देखकर फ्यूचर का में क्या होने वाला वो पता नहीं लगा पा रहे, तो ऐसा जो मार्केट है ये एफिशिएंट मार्केट है पर वीक फॉर्म। तो सर क्वेश्चन रन टेस्ट में क्या होता है ये बताओ, ये तो एफिशिएंट आप वैसे भी समझा चुके हो, ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, मैंने पहले भी कहा था मैं सीधा क्वेश्चन ही करवाऊंगा, और इसी क्वेश्चन से रन टेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। टारगेट क्या है? टारगेट है ये क्वेश्चन, इसमें पास्ट ईयर्स के प्राइस दिए हुए, एक बार रीड करें क्या क्या दिया हुआ जरा देख लेते हैं। आपको क्लोजिंग वैल्यू दिया है, और किसका? सेंसेक्स का, और कौन से मंथ का दे रखा? अक्टूबर 2007। 1 10, 3 10, 4 10, ये बहुत सारा प्राइस दिया है। आगे क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट एट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। तो ये क्या लिखा हुआ है वो मुझे नहीं मालूम, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। शर्त ये है कि आपको ध्यान से धीरे से मेरी बातें पूरी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है सर, हम समझने को तैयार है, अभी मैं जो करवा रहा हूं वो करते रहिए, अभी ये मत पूछिए कि ऐसा क्यों करूं, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। ठीक, तो सर सबसे पहले काम क्या करना, सबसे पहले इन प्राइजेस को यहां लिखना। सर क्या बात कर रहे हो? यस, इट मीन्स मैं पहले समझा दूं फिर लिखूं तो ज्यादा अच्छे से समझ। अब यहां इसको देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ प्राइस यहां कितना था? सर 2800। यहां कितना हो गया? सर 2780। तो बताओ प्राइस बढ़ा कि कम हुआ? सर कम हो गया। तो कम हो गया तो यहां साइन किसका लगेगा? माइनस का। माइनस का साइन, सर साइन लगाना, अमाउंट नहीं लिखना, अमाउंट नहीं लिखना, सिर्फ साइन लगाना। ठीक है सर, 2780 से 27, सर ये तो बढ़ गया, तो यहां जो साइन होगा वो कौन सा? प्लस का साइन होगा। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल धीरे धीरे प्लस का साइन होगा। सर मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे। जी हाँ सर, यही तो हम जिन्होंने पहले क्लास ले रखा वो भी तो यही करते थे, एक चेंजेस है ना वो समझा। सर उसके बाद बढ़ा प्लस, उसके बाद कम हुआ तो माइनस, उसके बाद फिर बढ़ा तो प्लस, फिर कम हुआ तो माइनस, सर उसके बाद फिर बढ़ा तो प्लस, सर फिर और बढ़ा प्लस, फिर और बढ़ा प्लस, फिर और बढ़ा प्लस, फिर और बढ़ा प्लस, फिर कम हो गया माइनस, फिर कम हो गया माइनस, फिर और बढ़ गया सर प्लस, फिर कम हो गया माइनस, और फिर क्या हो गया? सर कम हो गया माइनस, और कम हो गया माइनस, और कम हो गया माइनस, और फिर बढ़ गया प्लस। ठीक है सर, कर क्या रहे हैं? इंतजार करो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा 100%। इसको मैं फिर से बनाऊंगा, आप चिंता मत करो कि सर हो गया, हम भी नोट करें, आपको नोट करने की जरूरत नहीं, बस सुनते जा। अब सुनना ध्यान से मैं जो बोलने जा रहा हूं, साइन यहां चेंज हुआ, एक बार चेंज हुआ,
फिर सर माइनस से प्लस हो गया, मतलब दो बार चेंज हो गया, यहां माइनस, फिर यहां, यहां माइनस का साइन है ना, यहां प्लस का साइन, ठीक है सर, फिर यहां एक बार चेंज हो गया, तीन बार चेंज हो गया, ठीक है सर, उसके बाद ये चार बार चेंज हो चुका, ठीक है, फिर सर साइन चेंज हुआ पांच बार हो गया, फिर साइन चेंज हुआ कितने बार हो गया, छह बार हो गया, फिर ये कितने बार हो गया सर, सात बार हो गया, फिर साइन चेंज हुआ कितने बार हो गया, आठ बार हो गया, ठीक है, एक बार फिर से देख लें, फिर से साइन चेंज कर सर, यहां से यहां 2800 से 2780, बोलो कितने बार, एक बार, सही तो लिखा हुआ, एक बार देख लेता हूँ, यहां मुझसे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती, पिछले बार भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, 2780 हुआ ना एक बार, ठीक, फिर 2780 से 2795 सर ये प्लस होगा, अच्छा पहला वाला भी तो प्लस था, नहीं पहला वाला माइनस, माइनस फिर 2780 सर ये फिर प्लस, और उसके बाद फिर प्लस सर, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर 2790 2880 प्लस 2960 प्लस 2990 ये भी प्लस 3200 प्लस 3300 प्लस 3450 प्लस 3360 माइनस, और ये भी माइनस, और ये प्लस, बढ़ा तो प्लस कम हुआ तो माइनस सर, 3340 माइनस 3340 के बाद 3290 माइनस 3240 ये भी माइनस 3140 ये भी माइनस और 3260 ये प्लस। अब बस जो साइन कितने बार चेंज हुआ उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं, मेरे पास है तो सर ये है एक बार, ठीक है सर, प्लस 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 तो ये कितने बार हो गया, दो बार, ठीक है सर, माइनस हुआ फिर तीन बार, फिर प्लस 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 कितने बार, चार बार सर, फिर माइनस कितने बार हो गया, पांच, फिर प्लस छह, यहां सात और यहां आठ। अब सुनो कर क्यों रहे हो ये सर, पिछले बार भी काउंट में गड़बड़ हुआ था, जिन्होंने मेरे पहला लेक्चर देखा होगा ना वहां काउंट में गड़बड़ी हो गया था, और यहां कितना दिख रहा था साइन चेंज, सात बार, जबकि एक्चुअल में कितना है, आठ बार, ठीक है वो आप ठीक कर लेना, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उसकी जरूरत नहीं है। इट मींस जिन्होंने इससे पहले लेक्चर देखा होगा उनका कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने सेवन रन लिख दिया था, इसी तरह से जो गलती अभी हुई, पर ये एक्चुअल में कितना रन है, एट रन, इसको रन बोल रहा हूं, नंबर ऑफ साइन चेंज को मैं क्या बोल रहा हूं, रन, कितने बार माइनस हुआ, कितने बार प्लस हुआ, काउंट करके बताओ तो कितने बार आया, आठ बार। सर इसे क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, अब वक्त आ गए, अब सुनना ध्यान से, ये जो नंबर ऑफ साइन चेंज है इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं रन, रन को बोल रहा हूं आर, और रन कितने बार है, एट टाइम्स। अब दिमाग चलाने वाली बात, अब जरूरत है दिमाग, दिमाग कैसे चला, बिल्कुल ध्यान से समझ, मान लो ये जो है ये 50 दिन का प्राइस दिया हुआ है, 50 दिन इसको भूल जाओ, टोटल मिलाकर मान लो यहां कितने दिन का दिया है, 30 दिन का कि 28 दिन का मुझे नहीं मालूम, ये 50 दिन का प्राइस दिया होता, ठीक है, और नंबर ऑफ रन्स, रन्स का मतलब नंबर ऑफ साइन चेंज कितने बार आता, मैं बोल रहा हूं कि कितने बार आता, तीन बार आता, नंबर ऑफ रन्स आता तीन बार, इसका क्या हुआ होगा, मैं बोलने जा रहा हूं, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, या फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इट मींस मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बस मुझे इतना बताओ, अगर 50 दिन का प्राइस दिया है और नंबर ऑफ साइन चेंज सिर्फ तीन ही बार है, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि प्लस 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 माइनस माइनस ऐसा हुआ है, या फिर बहुत बार चेंज हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चेंज हुआ है। सर अगर 50 दिनों में तीन ही बार साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार प्लस होता है तो बहुत बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है तो बहुत बार माइनस होता है, एग्जैक्टली, क्योंकि 50 दिनों में सिर्फ तीन ही बार साइन चेंज हुए, ओके, इसका मतलब यार इसको देखते हुए, सिर्फ प्लस माइनस को देखते हुए एक बात हमको समझ में आ गई,
सर एक बार प्लस होता है तो बार बार प्लस होता है, और एक बार माइनस होता है तो बार बार माइनस होता है। सर मतलब प्राइस बढ़ा तो अगले दिन भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और एक बार गिरा तो फिर गिरेगा 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 गिरेगा, यहीं तक मानते हो? यस। इसका मतलब नंबर ऑफ रन कम है। तो आप पता लगा सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि यार जैसे ही प्राइस बढ़ा पहला दिन तो आने वाले दो चार दस दिन तक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्लीज यहां खरीद लीजिए शेयर और इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। और जैसे ही माइनस हुआ आपको मालूम है आगे बहुत दिनों तक माइनस होगा जबरदस्त, तो सर यहां बेच दीजिएगा। और फिर क्या होगा? फिर प्लस होगा तो फिर खरीद लेना। इट मीन्स एक बार बढ़ा तो आगे बढ़ेगा और एक बार गिरा तो गिरेगा गिरेगा। यहां तक बात समझ में आती है? yes. तो क्या नंबर ऑफ रन्स कम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर 50 दिन का है और नंबर ऑफ रन्स कम होते हैं तो फिर तो दिक्कत है। नंबर ऑफ रन्स कम है इसका मतलब आप अनुमान लगा लोगे कि क्या होने वाला है मार्केट, ठीक है सर। दूसरा, अगर 50 दिन का है और नंबर ऑफ रन्स है 40 बार, 40 है नंबर ऑफ रन्स, इसका मतलब क्या हो रहा सर? इसका मतलब अधिकतर केसेस में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा हो रहा है। क्या यहां अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट क्या होने वाला है? तो इतना है कि अगर नंबर ऑफ रन से ज्यादा है तो प्लस प्लस होता है, उसके बाद जस्ट कुछ दिनों बाद या अगले ही दिन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस हुआ तो अगले ही दिन प्लस, ऐसे ही होता होगा क्योंकि 50 में से 40 दिन तो साइन चेंज हुआ है। अब क्या पता लगा सकते हो? यस, फिर पता लगा सकती हूँ। कैसे? सर जैसे ही प्लस हुआ तो मान लो अगले दिन माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस हुआ मतलब अगले दिन प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जहां माइनस हुआ, जहां कम हुआ खरीदो, बढ़ा बेचो, फिर कम हुआ तुरंत खरीदो, अगले दिन बढ़ेगा बेच दीजिए। यहां भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, यहां भी प्रॉफिट कमा सकते हो। नंबर ऑफ रन्स कम है तो दिक्कत, नंबर ऑफ रन्स ज्यादा है तो दिक्कत। तो नंबर ऑफ रन्स कितना होना चाहिए? एवरेज, ना कम ना ज्यादा। कभी भी प्लस हो रहा, कभी भी माइनस हो रहा तो फिर तो खेल खत्म। कभी एकदम से प्लस माइनस हो गया, कभी लंबा प्लस माइनस हुआ, तब आप नहीं पता लगा सकते। एवरेज होना चाहिए। तो सर एवरेज मतलब कितना? एवरेज बोल दिया हो गया, उसके लिए निकालने का कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। हाँ जी होगा, ठीक है। तो टारगेट यही है, नंबर ऑफ रन्स क्या होना चाहिए? एवरेज। तो स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रन से निकालना पड़ेगा। रन का मतलब है नंबर ऑफ साइन। चलो स्टार्ट करें। यस सर, एवरेज कैसे निकालते हैं वो धीरे धीरे समझाऊंगा ना इस क्वेश्चन में, ठीक है सर? बात समझ में आती है। तो सर एक बात बताइए, प्लस माइनस, प्लस माइनस तो इसी में लिख देगी, तो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें लिखोगे तो फिर आप आईसीएआई को क्या पहुंचाओगे? बात समझो आप, आपको ये प्राइस अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा और उसमें साइन लगाना पड़ेगा प्लस माइनस का, तभी होगा। इस तरह से पेपर में लिख देने से, क्वेश्चन पेपर में लिख दोगे, चलो आपने लिख दिया क्वेश्चन पेपर में, पर हमें तो आंसर शीट पहुंचाना है ना भाई। पेपर नंबर किस पे मिलेगा? आंसर शीट पे, पेपर पे थोड़ी मिलेगी। तो सर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होगा, पहला काम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रन्स। रन्स का मतलब क्या होता है? प्राइस चेंज। नंबर ऑफ साइन चेंज, रन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज। तो करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है, यहां लिखना है प्राइस, प्राइस तो लिखना ही पड़ेगा, और यहां लिखना है प्लस अब्लिक माइनस। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। क्या गलती हुई थी लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते वक्त? लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते वक्त बाई मिस्टेक यहाँ 7 काउंट कर लिया था जबकि 8 था। तो जिन लोगों का 7 है वो अब प्लीज चेंज कर लीजिए।
सर सबसे पहले 2800, ठीक है, उसके बाद 2780, तो बोलो ये कितने बार, सर यहां से यहां ये हो गया माइनस, पक्का ना? यस। उसके बाद 2795, सर ये बढ़ गया प्लस, ठीक है, 2830, 2830 सर बढ़ा प्लस, यहां से काउंट करेंगे, और पहले मैं यहां से काउंट कर रहा हूं, वो मेरा मिस्टेक था, यहां से काउंट, फिर 2760। तो सर इसीलिए क्वेश्चन अपलोड किए, सिर्फ इसीलिए नहीं, आगे और एक फॉर्मूला जो आपको समझ, ठीक, 2760 बोलो माइनस 2790 सर प्लस 2880 प्लस 2960 प्लस, इधर भी लिख देता हूं, आप कंटिन्यू लिखिएगा, मेरे पास उधर जगह नहीं, तो प्राइस और यहां क्या जाएगा प्लस अब्लिक माइनस, तो 2960 तक पहुंच गए, 2990 2960 सर ये प्लस ही हो जाएगा, यस। इसके बाद 3200 सर ये भी प्लस, उसके बाद 3300 ये भी प्लस, उसके बाद 3450 ये भी प्लस, उसके बाद 3360 सर ये हो गया माइनस, उसके बाद 3290 ये भी हो गया माइनस, उसके बाद 3360 वापस, तो ये हो गया प्लस 3340 सर ये प्लस 3290, मुझे जगह लगेगी यार, थ्री टू नाइन जीरो माइनस 3240 ये भी माइनस, 3140 ये भी माइनस, और 3260 ये भी प्लस, भगवान ना करेगी कोई गलती हो, यही गलतियां होती है लिखने में, बस लिखने में गलतियां ना होना तो टेंशन खत्म हो जाएगा। एक बार रन देख ले क्या, यस, तो ये हो गया एक रन, ठीक है, साइन चेंज हुआ ना, ठीक है सर, चार यहां से यहां तक ये कौन सा हो जाएगा सर, दो रन, ये तीन रन, ये चार रन, ये पांच रन, ये छह रन, ये सात रन, और ये वाला आठ रन। इट मीन्स माइनस को वन, फिर प्लस हुआ तो टू, मैं माइनस से प्लस को बन गिन रहा था, बस यहां ध्यान रखना, माइनस मतलब एक रन, प्लस मतलब दो रन, जहां साइन चेंज हो रहा, तो टोटल नंबर ऑफ रन कितने आ गए, एट, ठीक है जी। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो पहला काम तो हो गया, रन आ गया हमारा, एक्चुअल में रन कितना आ रहा है, एट टाइम्स, तो इसको मैं लिख दूं अच्छे से, नंबर ऑफ रन जो एक्चुअल में निकला है हमारा, वो निकला है एट, पहला काम हुआ। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज रन, अब हम निकाल रहे हैं एवरेज रन, एवरेज रन्स, और एवरेज रन्स को हम क्या बोलते हैं, एवरेज को यहां म्यू बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो पहले भी म्यू बोले हैं ना एवरेज को, फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला म्यू आर, एवरेज रन इज 2n1 n2 डिवाइडेड बाय n1
प्लस एन टू प्लस वन। सर ये क्या नया चक्कर है, बिते में मजबूर। ठीक सर, ये एन वन और एन टू क्या है, बस इतना बता दो। एन वन का मतलब क्या है, यहां लिख देता। एन वन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लस, और एन टू का मतलब होता है नंबर ऑफ माइनस। अच्छा सर, एन वन इसी में हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम एवरेज कितना रहा, ना ज्यादा प्लस ना ज्यादा माइनस। तो यहां प्लस कितने हैं, माइनस कितने हैं, रन क्या होता है, चेंज कितने बार हुए, एक बार यहां चेंज हुआ, एक बार यहां चेंज हुआ। ठीक है, अब यहां कितने बार माइनस आया, कितने बार प्लस आया। तो यहां हम पहले प्लस देख ले, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। देख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, फिर लास्ट में बारह, कैसे ग्यारह होना चाहिए, फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, यही दिक्कत। प्लस प्लस दो बार है, फिर प्लस प्लस कितने बार है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, मेरे हिसाब से एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। ठीक है, अच्छा सर यहां गड़बड़ है ना आपका, प्लीज इसको आप चेक करना, यहां सर माइनस है और यहां भी माइनस। ठीक, उस हिसाब से नंबर ऑफ प्लस कितने हो गए, ग्यारह। मैंने गलती से यहां 3360 से 3340 में प्लस लिख दिया। ठीक है, थैंक गॉड किस बार मेरे पास क्वेश्चन। तो ये कितना है, ग्यारह। एन टू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ माइनस, तो नंबर ऑफ माइनस गिन ले एक बार, नंबर ऑफ माइनस गिन। सर एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। नंबर ऑफ माइनस कितना है, ये आठ। अच्छा सर ये भी आठ, ये है आठ। ये इस मेरे सामने तो स्टूडेंट है नहीं, इसलिए मुझसे गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो सकती है। तो प्लीज प्लस और माइनस अच्छे से गिनोगे। ठीक है सर, तो अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 इंटू ग्यारह इंटू आठ डिवाइडेड बाय 11 इंटू आठ माइनस एवरेज रन। 2 इंटू ग्यारह इंटू आठ डिवाइडेड बाय 19 माइनस वन, तो सर ये आ गया 8.26। प्लस वन है यार, 2 इंटू ग्यारह इंटू आठ डिवाइड बाय 19 प्लस वन, मैं तो खुश हो गया था 8.26, 10 पॉइंट। सर पहली बात, क्या ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा? जी हाँ सर, कुछ नहीं कर सकते, याद करना पड़ेगा। ठीक, एक्चुअल में रन कितने होना चाहिए, 10.26, और रन एक्चुअल में नहीं, एवरेज रन कितना होना चाहिए, 10.26, और एक्चुअल में रन है कितना, आपने जो निकाला है 8। अगर रन 10.26 है तो पता ही नहीं लग पा रहा कि प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस होगा कि नहीं होगा, कितने दिन बाद होगा नहीं, लेकिन रन कम होते हैं तो दिक्कत है। रन अगर बहुत कम है, इसका मतलब प्लस 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 या फिर माइनस माइनस, एक बार प्लस तो फिर बार बार प्लस। रन ज्यादा है तो दिक्कत है, प्लस माइनस ऐसा हो रहा है तो भी आप अनुमान लगा सकते हो। तो रन कितना होना चाहिए, 10.26, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और एक्चुअल रन कितना है, सर एक्चुअल रन जो है हमारा इस क्वेश्चन को देखते हुए आया है 8। तो इस हिसाब से रन इतना होना चाहिए, जबकि इतना नहीं है, 8 ही है, तो सर पता लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी सुनना ध्यान से मैं क्या, अब देखो चार्ट से समझ लेंगे, हमें कुछ डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करो।
ये और ये, और एवरेज रन कितना आया? एवरेज रन आया 10.6, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। तो सवाल ये है कि यार 10 होता तो चल जाता क्या, कि 10.25 होता तो 10.9 या फिर 10.5 होता तो आप सर बिल्कुल फिक्स कैसे बोल सकते, मतलब इधर से बिल्कुल भी नहीं लेगा, थोड़ा तो आप थोड़ा तो जगह दो यार। अगर 10 होता तो क्या वो उसको आप एवरेज नहीं बोलते, वो तो लगभग पास में ही है ना, थोड़ा तो रेंज दीजिए। तो इन्होंने कहा हाँ जी थोड़ा सा रेंज, और इन्होंने कहा कि ये और ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा तो बोले चल जाएगा, थोड़ा सा कम भी होगा तो हम उसको एवरेज ही मानेंगे, एक रेंज दे रहा है। इसको रेंज कौन सी बोल रहा है? इसको बोल रहा है अपर रेंज, और इसको कौन सा रेंज बोल रहा है? लोअर रेंज। बोले इसमें 10.26 में थोड़ा सा डेविएशन चलेगा, तो इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। सर यार फिर सर स्टैंडर्ड डेविएशन वही वाला जो पोर्टफोलियो में अभी हमने पढ़ा बेटे वैसा नहीं, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का अलग फॉर्मूला है। अच्छा थोड़ा सा डेविएशन चलेगा, बस वो थोड़ा सा डेविएशन के लिए आपको डेविएशन चाहिए ना सर। मान लो आता, अगर आता प्लस टू तो यहां अपर लिमिट हो जाती 12.26 और लोअर लिमिट हो जाती 8.26। फिर देखते कि एक्चुअल रन इनके बीच में है कि नहीं, एक्चुअल रन जो है वो तो 8 है, तो भाई बाय। फिर तो यार हमने एक लिमिट भी दिया ना 8.26, वैसे तो अगर 10.26 है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, पर 10.26 ही आएगा जरूरी नहीं, बोले थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा, पर किसी भी हालत में 8.26 से कम है, मतलब भाई नंबर ऑफ रन्स कम है मानेंगे। आप अनुमान लगा सकते हो क्या होना, ऐसा मार्केट इनएफिशिएंट मार्केट जहां आप अनुमान लगा रहे हो इनएफिशिएंट, पर 10.26 12.26 उससे ज्यादा है तो फिर बहुत बार प्लस माइनस हो रहा है, फिर भी अनुमान लगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये 2 कहां से आया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये निकालना। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ रही, मतलब अभी तक जो कैलकुलेशन हुआ है अभी तक हमारा, हमने क्या क्या निकाला, नंबर ऑफ रन्स निकाला ठीक है, उसके बाद हमने एवरेज रन भी निकाल लिया, इसमें भी ठीक है, पर इसमें हमें थोड़ा सा डेविएशन जोड़ना पड़ेगा तब काम चलेगा। ठीक है सर, तो अब हम क्या निकाल रहे, अब हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रन। तैयार हो? यस। तीसरा काम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एवरेज। हां इसके लिए मैंने करवाया था कि सर इसके लिए दो फॉर्मूले, एक मैंने डिराइव किया है और एक इंस्टीट्यूट का है। तो सर पहले मेरे डेरिवेशन वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, और उसके बाद इंस्टीट्यूट, आंसर दोनों से एक ही आएगी। पर क्यों मैं करवा रहा हूं, मैंने पहले ICAI का फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जरूरत नहीं है, पर जो पेपर चेक हो रहा है अभी उसके हिसाब से भाई आपको ICAI का फॉर्मूला लिखना चाहिए। पर फिर भी उस समय दिमाग ना चले ICAI का फॉर्मूला, तो फिर कम से कम मेरा फॉर्मूला मैं दोनों ही करवा दे रहा हूं। यह है मेरा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। सर बताओ क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, मतलब एवरेज, म्यू माइनस टू डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस वन। ये मेरा वाला फॉर्मूला। सर ये बेकार वाला फॉर्मूला, आप ICAI का फॉर्मूला वो भी बताऊंगा, पहले इससे कर दें। म्यू का मतलब एवरेज रन, एवरेज रन कितना निकाला आपने सर, और इसका तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सर वो वाला स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी तक हमने पढ़ा है वो गया बेटे, उसको छोड़ दो, इसमें तो अलग ही कॉन्सेप्ट चलेगा ना। 10.26 माइनस वन, 10.26 माइनस टू, 10.26 ही निकला था ना हमारा, यस 10.26 डिवाइडेड बाय
एन का मतलब नंबर ऑफ प्लस, 11 प्लस 8 माइनस 1। इसको सॉल्व करें एक बार, तो 10.2 मतलब सर 9.26 ले लें, 8.26 स्क्वायर रूट है ना, और डिवाइड किससे कर देते हैं, 11 8 19, तो 9.26 इंटू 8.26, 9.26 इंटू 8.26 डिवाइडेड बाय 18 जो भी आया उसका स्क्वायर रूट, तो सर ये आया 2.06। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन 2.06। सर ICAI वाला फॉर्मूला वो भी करवा देता हूं, ठीक है चलो सर ICAI का फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला तो भाई बहुत मुश्किल है, 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का स्क्वायर और n1 प्लस n2 माइनस 1, यही है ना, आपको तो दिया हुआ है। यस वाह सही से लिखा ये सर, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को उठाकर मैंने ऐसा डेरिवेशन किया है, पर मैं फिर से बोल रहा हूं ये ICAI फॉलो करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपने ये लिखा आंसर नो डाउट यही आएगा, पर भाई नंबर नहीं मिले तो ये फॉर्मूला हो सकता है, अगर आप कर सकते हो या तो कर लीजिएगा। ये उन लोगों को मैं स्पेशली बोल रहा हूं जिन लोग मेरा पहले ये लेक्चर देख चुके हैं, उनमें मैंने ये फॉर्मूला यूज ही नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता जरूरत नहीं है भाई, इसी से तो इसका डेरिवेशन हुआ ना। पर अब जबकि सब लोग मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं जो पहले क्लास ले चुके हैं, उन लोगों के लिए तो मैं बोल ही रहा हूं कि मैंने पहले ये फॉर्मूला नहीं बताया था, पर अब बता रहा हूं प्लीज कर लेना। ये अपडेशन था, अगर मैं कहूं अपडेशन के नाम से ये और एक वो नंबर ऑफ रन मैंने गलती से बाई मिस्टेक साथ ले रखा तो उसको 8 ले लेना, ठीक है जी। सर इसको लिखे क्या, चलो इसको भी लिख लेते, 2n1 11 n2 8, फिर 2 × 11 × 8 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11 × 8 का स्क्वायर और 11 × 8 माइनस 11 प्लस है ये है ना, और यहां भी प्लस है, दोनों जगह गलती है, यहां भी प्लस है 11 प्लस 8 माइनस 1, देख ले 2 × 11 × 8 बोलो कितना हुआ 176, 2 × 11 × 8 माइनस 11 माइनस 8 157 मल्टीप्लाई है, जहां मल्टीप्लाई सब होगा डिवाइडेड 11 प्लस 8 इंटू इक्वल टू 361, 11 प्लस 8 माइनस 1 18, याद रखना स्क्वायर रूट तो रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 361 इंटू 18 एम प्लस में डाल दिया 176 इंटू 157 डिवाइडेड बाय से इक्वल टू स्क्वायर रूट करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2.06। सर कहने का तात्पर्य क्या है ये बताइए, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला मुझे ज्यादा पसंद है इसकी अपेक्षा, मेरे एग्जाम में मुझे ये याद नहीं हो पाया, मैंने ऐसे कर लिया, अब आपकी मर्जी, अगर जो बच्चे याद कर सकते जिसमें मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है प्लीज यही फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर दोनों से एक ही आएगा, हर क्वेश्चन में आंसर एक जैसा है, ठीक है जी। सर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ वो समझाओगे क्या, उसके लिए समय नहीं है, ठीक है। तो फाइनली क्या बातें समझ में आई, अब हमें क्या मिल गया, हमें सर स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रन इज इक्वल टू 2.06 सर इसका मतलब अब बात समझ में आ गई पूरी तरह से, हाँ जी।
तीसरा काम होगा, मतलब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूं तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ रन, इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं। प्लस माइनस नंबर ऑफ साइन चेंज निकालना है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या निकाला, एवरेज रन, एन वन एन टू से एवरेज रन भी निकल गया। तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रन का खतरनाक वाला फॉर्मूला है, पर वो भी कर लिया। अब क्या करना है, बस अब एक बात और बाकी है, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, क्या बात बाकी है सर? इसका मतलब यहां से, यहां देखो, एवरेज रन कितना निकला, एवरेज रन निकला था हमारा 10.26, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया 10.26 है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 2.06। आपने ये कहा था सर, याद करो सर, याद करो, एक अपर रेंज दे देंगे, एक लोअर रेंज दे देंगे, ठीक है। अपर रेंज में हम के स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हम इसमें कर देंगे 2.06 और इसमें से माइनस कर देंगे 2.06, तो यहां का आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अगर रन इसके बीच में है तो हम एवरेज रन मान के चलेंगे, पर इससे ज्यादा तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा रन है, और इससे कम है तो हम कहेंगे बहुत कम रन, ठीक है। इट मींस अगर इधर है तो मार्केट कौन सा, इनएफिशिएंट, इधर है तो मार्केट कौन सा, इनएफिशिएंट, पर यहां है तो हम कहेंगे एफिशिएंट है पर वीक फॉर्म है। यहां तक ठीक है, यस। पर एक समस्या और है, मैंने कहा, इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2.06 तो है, पर इसका कुछ टाइम से लेंगे, मतलब कुछ एक टाइम से ले लो, कितना टाइम से? बोले इसका आप 1.5 टाइम्स लेके चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा। क्यों भाई? ऐसा हमने किया हुआ है, कहाँ किया है हमें, हमने मार्जिन में किया, मार्जिन, मार्जिन रिक्वायरमेंट करते थे ना, 10,000 मार्जिन याद है, याद है आप मार्जिन निकालते थे डेरिवेटिव में, क्या फॉर्मूला होता, एवरेज प्लस प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और टाइम से मल्टीप्लाई करते थे टाइम से। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेना है, उसका कुछ टाइम ले लेना, 2 times या 1.5 times। अच्छा सर ये है, इट मींस सर अपर रेंज का फॉर्मूला बन सकता है क्या? यस, अपर रेंज का फॉर्मूला है म्यू प्लस होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, और लोअर रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम। बस ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये टी क्या है, टी बस यही समझना है बस, और कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। टी का मतलब, टी डिस्ट्रीब्यूशन टी पर, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दो चीजों पर, दो चीजों पे, पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। बाप रे बाप, समझने में टाइम लग रहा, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब सर, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते, सर ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला एन वन प्लस एन टू माइनस वन, सर ये क्या होता है वो समझाऊंगा ना, समझाऊंगा, मतलब 11 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट आपको दिया रहता है कहां, क्वेश्चन में बताएगा। अब मैं क्वेश्चन रीड करने की कोशिश कर, अब क्वेश्चन रीड करो, यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट एट, ये इंपॉर्टेंट है, 5% और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% पर 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है 2.101। सर 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला हुआ है सर, नहीं भी निकालते तो दिया है बेटे, आपको निकालना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में ना ऐसा दे रखा और साथ में 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से दे रखा है, ठीक है जी, ठीक है सर। तो लेवल ऑफ सिग्नि, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, डी एन वन प्लस एन टू माइनस वन,
पर हमें अब 5% और 10% के हिसाब से काम करना, 5% और 10% के हिसाब से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सुनना ध्यान से, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 5% के हिसाब से आपको टेस्ट करना है और आपको 10% के हिसाब से टेस्ट करना है। 5% के हिसाब से टेस्ट करोगे तो आंसर ये दिया है 2.101। अब देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ये चाहिए था मुझे टेबल। अब देखो अपर रेंज, तैयार हूं, अब मैं यहां निकाल रहा हूं अपर रेंज और लोअर रेंज। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपर रेंज, एट ऐसा लिख रहा हूं, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, लेवल ऑफ 5% पे टेस्ट करूं। सर ये 5% क्या है लेवल, ये मैं सारी चीजें समझा रहा हूं ना आप, तो ना ध्यान से, पहले अपर लिमिट निकाल, अपर लिमिट, अपर लिमिट फॉर्मूला बोलो, एवरेज रन कितना आया था सर, 10.26 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था सर, 2.06, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना, वो टी वैल्यू चाहिए, और वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, यस 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने निकालना है, 5% के लिए क्या दिया है 2.101। तो अब निकाल लीजिए अपर लिमिट आ गई 2.06 इंटू 2.101 प्लस 10.26, तो सर ये आ गया 14.5। अब क्या निकलेगा, एक लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, 10.26 माइनस 2.06 इंटू 2.10, 2.06 इंटू 2.101 माइनस 10.26, तो आंसर आ गया 5.93। यहां तक ठीक, इसका मतलब सर अब हमारा काम हो गया। यस बोलो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एवरेज रन कितना आया 10.26, इसकी अपर लिमिट कितनी आ गई सर 14.59, और लोअर लिमिट कितनी आ गई 5.93। क्या आपका जो एक्चुअल रन है, रन वो कितना आया सर, एक्चुअल रन हमारा 8, क्या वो इसके बीच में है, यस अगर इसके बीच में है तो ऐसा मार्केट क्या कहलाएगा, एफिशिएंट मार्केट कहलाएगा। पर किस फॉर्म का, वीक फॉर्म का, एफिशिएंट मार्केट ही है पर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। सर आगे जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो 5% के हिसाब से तो चेक कर लिया, क्या ये टी वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, यस। हालांकि इसका टेबल भी होता है, और टेबल मैं आपको बता रहा हूं कहां है टेबल, ये है टेबल, एक सेकंड में टेबल कहूंगा, ये है टेबल। अगर इसका टेबल आपको, आपके पास टेबल होगा प्लीज चेक करो बुक के लास्ट में, नाम है स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिखना, 18 दिख रहा है, और ये कितना है 10%, और ये कितना है 5%, ये 5% ये 10%, यहां देखो तो क्या दिखाई दे रहा है 2.101। हालांकि आपको टेबल तो देता ही नहीं आईसीएआई, आपको वैल्यू क्वेश्चन में ही लिख कर दे देगा। सर इसका कैलकुलेटर से किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता, ये वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं निकाला जा सकता, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, यस।
तो अब आप सवाल रहे, क्या ये मार्केट जो दिख रहा है जब आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पर चेक किया तो क्या ये एफिशिएंट मार्केट है? यस, दिस इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे चेक किया तो यस। क्यों? क्योंकि आर क्या इन दोनों के बीच में? यस, तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट है, वीक फॉर्म है बस। तो यहां लिख दे, फिर ऐसे किसका चेक करोगे? 10% का चेक करोगे, खत्म हो जाएगा। तो बस यहां लिखा, ये डायग्राम बनाने की जरूरत है कि नहीं? तो बस यहां लिख रहे हैं लोग, सिंस रन इस लाइस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, हेंस मार्केट इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट। ठीक है जी, ऐसे किस पे चेक करना पड़ेगा? 10% पे। तो चेक कर लेते, एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, एट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है? 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट एट 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 18 ही है इस क्वेश्चन में, याद रखना, ये निकाल लेना। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया। तो सर पहले अपर लिमिट ले ले क्या? यस, अपर लिमिट एवरेज 10.26 प्लस डेविएशन कितना है? सर डेविएशन है 2.06, और 10% का लिमिट क्वेश्चन में दिया रहेगा। चेक करो 10% का लिमिट, 10% का वैल्यू। सर 1.734, ठीक, 1.734 इंटू 1.734 और लोअर लिमिट टेन पॉइंट टू सिक्स प्लस प्लस नहीं माइनस 2.06 इंटू 1.734। तो 2.06 इंटू 1.734 प्लस 10.06, तो आंसर आ जाएगा 13.832। 2.06 इंटू 1.734 माइनस 10.06 ये आ गया 6.688। क्या 8 इसके बीच में है? यस, तो लिखोगे सिंस आर लाइज बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट एंस मार्केट इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है जी सर, थोड़ा सा याद करने वाला है। हाँ जी, याद करने वाला टॉपिक है, तो फिर से मैं इसको एक बार समझा दूं कहां से कैसे करना है। आएगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको रन्स निकालना पड़ेगा। रन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ साइज चेंज, और यहीं से स्टार्ट करना कि यहां से यहां हो गया, गलती क्या हुई जो मुझसे हो सकती थी। मैं बोलता था माइनस से प्लस हुआ तो इसको एक रन गिनता था, नहीं, यहां से हुआ ये साइन, मतलब ये
साइन चेंज हो गया, मतलब इसको एक रन मानना, फिर साइन चेंज हो गया इसको दो रन, फिर साइन चेंज हो गया इसको तीन रन, इस तरह से। तो रन निकालना कि यार कितने बार प्लस माइनस हो रहा है, फिर एवरेज रन निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका हमें फॉर्मूला n1 का मतलब नंबर ऑफ प्लस, n2 का मतलब नंबर ऑफ। तो फिर हमने ये निकाला, दिस एवरेज रन आ गया 10.26, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, पर थोड़ा सा डेविएशन तो चलेगा ना यार। तो डेविएशन का फॉर्मूला दो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ICAI के हिसाब से कोशिश करना कि ये वाला फॉर्मूला निकले। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला 2.06, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, थोड़ा और रेंज बढ़ाइए, मतलब उसको मल्टीप्लाई कुछ और से करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की जरूरत क्या है, जब आपको वैल्यू तो दिया रहेगा, यस, पर वैल्यू में ना कई कई बार क्या कर देता है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो चार वैल्यू दे देता है, 18 के हिसाब से भी दे देता है, क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा 18 के हिसाब से भी दे देगा और 19 के हिसाब से दे देगा, और हमको मालूम है हमें किसके हिसाब से लेना है, 18 के हिसाब से लेना। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा n1 + n2 - 1, और फिर 5% पे पूछेगा और ये 10% से पूछे, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या। बहुत सारी चीजें जो इसमें हमको नहीं पता कि इसमें होता क्या है, तो इस पे ज्यादा चर्चा ना करें, फिर ठीक है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद ऑटो को, यही एकमात्र क्वेश्चन है, प्लीज करके चले जाना। इसके बाद हम कर रहे हैं ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है, थैंक यू, चलते ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन है ICAI का, अपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो मेरी बुक में कवर नहीं है, तो मैं सोचा चलो ये क्वेश्चन भी करवा देता हूं। हालांकि इस क्वेश्चन में पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला, इसमें बिना मेरे मदद के भी क्वेश्चन हो सकता था, पर कुछ बच्चों का कहना प्लीज सर करवा दीजिए। हालांकि इसके अलावा कुछ छूटा नहीं, आप ये मत सोचना कि और भी एक क्वेश्चन छूटा था तो बच्चों ने चुन के निकाल लिया कि सर ये क्वेश्चन छूटा है प्लीज करवाइए, चलो वो भी करवा देता। तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एक बार देख ले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन है। The following details are given for X and Y companies stocks and Bombay Sensex. X company, Y company का stock दे रखा है और Bombay Sensex का मतलब market का दे रखा है X. Calculate the systematic risk and unsystematic risk for the company's stock. If equal amount of money is allocated for the stocks and what would be the portfolio risk? मांगा क्या important? Systematic risk मांगा है और unsystematic risk मांगा है किसका? Company के stocks का। इसके अलावा बोले अगर हम इसमें और इसमें 50-50% पैसा लगाए तो पोर्टफोलियो का रिस्क कितना होगा, ये मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक इंडिविजुअल और पोर्टफोलियो का रिस्क। बस स्टॉक ए का एवरेज रिटर्न दे रखा मार्केट का 6% बताओ यार, ये 15%, ये 25%, मार्केट का 6% वेरियंस ऑफ, और सुनो इसका बीटा कम, इसका बीटा, मार्केट का बीटा 1 है, कैसा कुछ, मतलब कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हो यार। वेरिएंस का मतलब क्या होता है सर, वेरिएंस का मतलब होता है टोटल रिस्क, और बीटा दिया है, कोरिलेशन दे रखा है, मैं बताऊं क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता, कोरिलेशन इसका दे रखा, तो सर इसका कोरिलेशन किसके साथ, मार्केट के साथ ही दिया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये जो दे रखा ना, ये हालांकि इसको मैंने समझाया जरूर पर इसकी वजह से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या है बताओ, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्या मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है, और यकीन मानिए इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की जरूरत भी नहीं है। हाँ उसके बिना, उसके साथ भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं दोनों करवाऊंगा, जो ICAI ने किया वो भी करवाऊंगा, हालांकि दोनों से आंसर एक ही है, ठीक है। सर पहले अपना बता दो फिर ICAI की बात सुनेंगे, चलो मैं पहले अपना बता देता, हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया है, हमें टोटल रिस्क दिया है सर, ठीक है, टोटल रिस्क दिया है, टोटल रिस्क दिया है, तो हम अगर सिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे तो ऑटोमेटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क निकल जाएगी, यस। सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मूला है सर बीटा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ मार्केट, आराम से
इसकी जरूरत ही नहीं है, पर मैं कहता हूं ना चलो ना यार इसके साथ कर। वैसे तो हम इसके बिना तो यूं बना रहे हैं, यूं बच्चों वाला क्वेश्चन, पर इसके साथ बनाते चलो ठीक है। इट मींस हम क्या करेंगे, यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है। और आपको पता कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला क्या है सर? सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क। ये क्या नया है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कसम से बोलो अगर मैंने नहीं समझाया, इसका डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया होगा तो बात दूसरी। मैंने सब कुछ करवाया है, मैंने डेरिवेशन भी कर, सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क, ठीक है सर। सर 0.18 इज इक्वल टू, क्या मुझे टोटल रिस्क पता है? हाँ सर। कितना है टोटल रिस्क? 6.3। तो क्या मुझे इसका सिस्टमैटिक रिस्क पता लग सकता है? यस। तो सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल 6.30 इंटू 0.18, तो सर 1.134। तो क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क निकल जाएगा? या सर टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क कितना है? 6.30 अनसिस्ट 1.134। तो सर ये आ गया 5.166। खत्म। बिल्कुल आसान है, मैंने किसके हेल्प से निकाला? सर ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से? अच्छा सर, ठीक है, मैंने इसको डेरिवेशन चाहिए होगा तो चलो मैं इसके बाद लास्ट में जब ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद मैं वो वीडियो जिसमें मैंने डेरिवेशन करवाया वो ऐड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। इसका डेरिवेशन चाहिए हमको सर। ये जो आपने लिख तो दिया है, मानते लिख दिया, आपकी बात हमने मान लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की, इसका डेरिवेशन चाहिए। आया कैसे? जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद में वो डेरिवेशन वाला जो है ना वो इसके बाद ऐड कर दूंगा, बाकी बच्चों का नुकसान होना चाहिए। जिसको आता है उसको मैं जबरदस्ती डेरिवेशन भी समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं, लास्ट में ऐड करूंगा, ये क्वेश्चन खत्म होने के लास्ट में ऐड करूंगा, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। पर आईसीएआई ने क्या किया सर वो समझाइए। आईसीएआई बोलता है हमको यूज ही नहीं करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आईसीएआई के हिसाब से उसने कहा भाई इतना तामझाम नहीं, सबसे पहले बात करते हम स्टॉक एक्स की। उसने कहा बिल्कुल सामान्य तरीके से करते हैं ना जैसे करते आ रहे हैं, मतलब उनका कहना है सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्केट। कोई दिक्कत है? नहीं। बीटा कितना है सर? बीटा है 0.71 का स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्केट तो दिया हुआ है, तो क्यों टाइम पास कर रहे? टाइम खराब, वेरिएंस ऑफ मार्केट ये दिया हुआ है 2.25। बस 2.25 पे स्क्वायर मत कर देना गलती से, सिर्फ 2.25 लिखना। तो 2.25 नहीं 0.71 इनटू इक्वल टू इनटू 2.25 तो आंसर आ जाएगा 1.134। वही तो निकला था पहले भी सिस्टमैटिक रिस्क, बस ये मैंने इसका यूज किया था। इट मीन्स इस ये जो दिया है ना वो सिर्फ इसके लिए दिया है, वो तो वैसे भी निकाल लेते हैं, लेकिन सोचो अगर नहीं दिया होता बीटा तो ये यूज हो जाता, इसलिए मैंने 200 से करवा, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए तो टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क तो आपके पास है, कितना है टोटल रिस्क? 6.3 माइनस 1.134 तो ये आ गया 5.166। आसान।
ऐसे किसका निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे हम सर स्टॉक वाई, सर इसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन नहीं दिया है। हाँ जी, तो सर सिस्टमैटिक रिस्क इज बीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट, इसका भी बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बीटा चेक करो सर, इसका बीटा दिया 0.685, इसके वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना है 2.25, सर ये आ गया 1.056 ले लूं, और अनसिस्टमैटिक रिस्क वैसे निकल जाएगा, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, और टोटल रिस्क कितना है, टोटल रिस्क है इसमें 5.86, 1.056, तो सर 5.86 माइनस 1.056 तो आंसर आ जाएगा 4.804। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का यही एक एक काम और बचा है, तो रिस्क ऑफ पोर्ट, पोर्टफोलियो रिस्क, सर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का क्या फॉर्मूला है आप खुद सोचिए, क्या दोनों का टोटल रिस्क पता है, यस तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर वेट ऑफ एक्स स्क्वायर वेरियंस ऑफ वाई स्क्वायर वेट ऑफ वाई स्क्वायर वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई कोवेरियंस, एक्स वाई कोवेरियंस का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या हो गया वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियोस, तो क्या आपको इंडिविजुअल पता है, यस तो बताओ कितना है इसका वेरियंस, वेरियंस का मतलब टोटल 6.3 और 5.86, तो 6.3 इंटू 0.5 इस, दूसरा कितना था 5.86, 5.86 इंटू 0.5 स्क्वायर, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू, कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीटा वाला फॉर्मूला, बीटा एक्स फॉर्मूला पता है ना, ये सर बीटा एक्स बीटा वाई ऑफ वेरियंस ऑफ मार्केट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बीटा एक्स और बीटा वाई हमको पता है, क्या है बीटा, बीटा 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 0.71 0.685 इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, तो शायद ये 2.25 मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, आईसीएआई ऐसा नहीं किया है, ये तो जनरली हम करते 0.5 into equal to into 6.3 m plus 0.5 into equal to into 5.86 m plus 2 into 0.5 into 0.5 into 0.71 into 0.685 into 2.25 m plus mrc, तो ये आ गया सर 3.5 bits, ठीक है चल जाएगा कर सकते हो आप ऐसे, पर मैं वो भी बता दूं कि ICAI ने क्या फॉर्मूला यूज किया, उसने कहा सर सबसे पहले हम निकालेंगे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाला 0.685 इंटू 0.71 इंटू 0.5 प्लस 0.685 इंटू 0.5, पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लिया हूं, तो ये आ गया सर 0.6975
सर इसके बाद क्या किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकाल ले रहे, और वो क्या है, बीटा स्क्वायर पोर्टफोलियो वेरियंस ऑफ मार्केट। ये भी अच्छा, इट मीन्स पहले सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालते, फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालते और दोनों को ऐड कर देते। ये किया आईसीएआई ने इस क्वेश्चन, तो मतलब 0.6975 स्क्वायर इंटू 2.25। तो सर ये आ गया 1.0946। ठीक है, फिर क्या निकाला होगा, फिर निकाला होगा अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है, एक्स वेट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वेट ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें कोरिलेशन तो होता ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है सर, अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क शायद हमने निकाला है, यस सर, ये अनसिस्टमैटिक 5.166 और 4.804, 5.166 अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब क्या जाएगा, टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो दिख रहा है 1.0946 प्लस 2.49, आंसर आ गया 3.5866। तो 3.5866, तो ये आंसर और ये आंसर मैच कर दिया। बस ये बताया दोनों से कर सकते हो, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आईसीएआई को कोई तकलीफ होगी। ठीक है, ठीक है सर, और एक क्वेश्चन है वो भी समझा देता हूं, ठीक बात करता हूं। मुझे बुक में क्वेश्चन नंबर 15 हम छोड़ दिए थे और मैंने कहा था कि हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन के साथ पढ़ेंगे या फिर अल्फा कैलकुलेशन की बात पढ़ेंगे, तो अब वो वक्त आ गया ये क्वेश्चन बनाने का। मैंने कोशिश जरूर किया था पर यहां बात ऑब्जर्वेशन वाली आ गई थी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, लिखा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट ऑफ कृष्णा लिमिटेड। ठीक है जी, ईयर दिया हुआ है, शेयर का प्राइस दिया है, डिविडेंड। ठीक है, जैसे ये तीन चार चीजें दिया हुआ है ना, इससे क्या समझ में आ रहा है, डिविडेंड पर शेयर दिया है कृष्णा, मैं इधर का नहीं पढ़ रहा हूं, इधर की कृष्णा लिमिटेड का शेयर का प्राइस दिया है हर साल। सर इससे ये समझ में आ रहा है कि हम एनुअल रिटर्न निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा आपने कब करवाया था, जब आपने पहला एग्जाम्पल करवाया था, बिल्कुल सही, एक एग्जाम्पल करवाया था उसमें मैंने आपको यही समझाया था कि यार अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो सबसे पहले एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का पहला एग्जाम्पल। ठीक है सर, तो आपने फिर उस हिसाब से काम किया था। सर हम पहले साल का निकालते नहीं है और हम इस साल का और इसी साल का, मतलब ये हमारा ओपनिंग प्राइस होता है, करवाया हूं ही करवाया हूं। ठीक है सर, तो सर ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स, एक्स बोल सकते ना सर, एक्स क्यों बोलेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्स माइनस एक्स बार करते थे ना यार, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालते थे। हाँ सर याद है। अब ये किसका इंडेक्स, सर ये मार्केट का, और मार्केट का ये डिविडेंड यील्ड थैंक गॉड परसेंटेज में दे दिया है। ठीक है जी, तो यहां हम क्या करेंगे, हम पहले प्राइस जो हो रहा है ना वो अप्रिशिएट हो रहा है तो उसको हम फिर से परसेंटेज में निकाल लेंगे, और ये और इनकी मदद से, सर इसकी मदद से क्या निकलेगा, इसकी मदद से क्या निकल जाएगा, इसकी मदद से निकल जाएगा आर एम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई। अच्छा सर, ये एनुअल रिटर्न किसका निकलेगा, मार्केट का, कितने साल का निकलेगा, ये पहला साल होगा, ये दूसरा साल होगा और ये तीसरा साल होगा। ठीक है सर, और सर ये क्या है, आर एफ,
जब आप तीन तीन साल का ले रहे हैं तो ये भी 3 साल का लेंगे, जो कि 6% आएगा, इसका एवरेज ही मानना पड़ेगा। तो समय सर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा एक्स बार, हमें वाई बार, हमें आरएफ भी निकल जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है सर? बीटा पूछ रहा है, बीटा बीटा। तो सर बीटा कैसे निकालते? बीटा ऐसे निकालते थे ना, कोवेरियंस एक्स ऑफ मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, यही होता था बीटा। बोलो हाँ हाँ। तो सर फिर तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली टेबल ही तो बनाना पड़ेगा, बीटा निकालने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। सर टेबल, टेबल बड़ा वाला बना लेते, टाइम लगेगा तो लगेगा, हमको मालूम है एक टेबल बनाना जो फिक्स है। हालांकि मैं बोल सकता हूं कि स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकालने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको हम जबरदस्ती क्यों करें। हाँ सर ऐसा करते हैं इस बार, सर हम तीसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि आईसीएआई ने तीसरे वाले मेथड से किया बीटा, आप वैसे भी कर सकते हो, टाइम कम लगेगा, पर वो मुझे याद नहीं रहता है और मुझे ऐसा लगता आपको भी याद नहीं रहेगा। तो सर नॉर्मल तरीके से कीजिए भाई। ठीक है सर, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब? पहले तो एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन कहां का है? स्टडी मटेरियल का। ये क्वेश्चन में 2022 में आया हुआ है, तो सर अब आने के चांस? मैं 2022 अभी की बात करूं, इस अटेम्प्ट में पेपर है पीछे, क्वेश्चन पेपर चेक करो कहां है, कहां है, छुपा है कहां, कहां पर है यार क्वेश्चन? ये मिल गया, और ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B तो समझिएगा। हालांकि इसमें 4 साल का है, क्या क्वेश्चन वैसा ही है जो वैसे ही है? कितने नंबर का क्वेश्चन है? 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो पोर्टफोलियो को देखा जाए तो अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखवा दिया और दोनों स्टडी मटेरियल से दिख रहा है आपको, उतना मुश्किल नहीं है पोर्टफोलियो। शर्त यह है कि हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से करोगे। तो सर ये होमवर्क दे दो ना। बिल्कुल सही, होमवर्क। सर चेक कैसे करेंगे होमवर्क इसका? जब तक आप होमवर्क करोगे तब तक सजेस्टेड आ चुका होगा तो मैं डाल दूंगा। इट मीन्स क्या कहना चाहते हो सर? सजेस्टेड का वेट करोगे? आप खुद कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? आप खुद कीजिए और मुझे सॉल्यूशन भेजिए, मैं चेक करूंगा। मैं क्यों करूं यार कैलकुलेशन? छोड़ो सर, चलो एनुअल रिटर्न। मेरा काम है ये क्वेश्चन समझाने का, आपका काम है ये क्वेश्चन होमवर्क का, बस। तो ठीक है सर, एनुअल रिटर्न सबसे पहला काम किसका करेंगे? सबसे पहला काम है कृष्णा लिमिटेड, एनुअल रिटर्न ऑफ कृष्णा लिमिटेड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्स बोलेंगे। कहां से? 2013 से स्टार्ट कर रहा। सर फॉर्मूला लिखेंगे कि ये लोग भाई फॉर्मूला भी लिख लो, एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख। P1 - P0, सर P1 - P0 मतलब ये P1 ये P0, चेंज इन प्राइस लिख सकते हो, प्लस डिविडेंड। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर? P0 into 100। हमारा जो बुक है ना उसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप सोच रहे कि चलो सॉल्यूशन जो है उसी से कर लेंगे, तो वहां मिस्टेक है। कहां मिस्टेक है मैं बता दूंगा। तो सर सबसे पहले बात करेंगे हम 2013, 253 - 245 + 20 डिवाइडेड बाय 245 × 100। 2014 20 नहीं सर 22 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 310 - 253 +
अब यहां जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 253 इनटू 100 2015 कितना 330 माइनस 310 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100 सिंपल है सर 253 माइनस 245 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 100 सर 12.24% 310 माइनस 253 डिवाइडेड ओ सॉरी 310 माइनस 253 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 253 इन 200 32.01% 330 माइनस 310 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 310 इन 200 16.13% ये क्या निकल गया साहब इसको बोल रहा मैं एक्स ठीक है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था यार तो सर 3 साल का रिटर्न निकल गया ऐसे अब किसका निकालना है मार्केट का नोट कर लेना बेटे नोट कर लेना मेरे ख्याल से इसमें अगर आपको ये देखकर नोट कर रहे तो इससे ज्यादा शर्म वाली बात होगी नहीं आपकी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्वेश्चन को इस तरफ ले जाता हूं अब मुझे क्या निकालना आर एम तो पॉइंट नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ आर एम आर एम को मैं यहाँ वाई बोलूंगा ठीक सर आप कभी भी किसी को एक्स बोल देते हो कभी बेटे ये तो आपको समझना पड़ेगा ना यार नाम में क्या रखा ठीक है सर तो बात कब किसकी करूंगा सबसे पहले सर 2013 इसमें डिविडेंड परसेंटेज में दिया तो उसको अलग लेंगे 2130 माइनस 2013 2130 माइनस 2013 माइनस 2013 डिवाइडेड बाय 2013 इनटू 100 मुझे पूरा बोर्ड लगेगा 2130 माइनस 2013 डिवाइडेड बाय 2013 इनटू 100 सर 5.81% तो ये आ गया सर 5.81 प्लस डिविडेंड ये वाला लेना 5 तो 10.81% यहां जो सॉल्यूशन है जो मेरी बुक में है गलती से मेरे टाइपिस्ट ने यहां जो कॉपी किया वो मार्केट वाला कॉपी कर दिया वो गलत है एक्चुअली ये वाला कॉपी होना चाहिए अल्टीमेटली ये सही है 10.81 अब चेक कर लीजिए सॉल्यूशन ठीक है सर बाकी जिनके पास सॉफ्ट कॉपी है उनको शायद मैंने करेक्शन करवा दिया पर जिनके पास हार्ड कॉपी आई हुई है वो बुक्स प्रिंट हो चुकी थी तो उसमें अब आपको सुधारना होगा वैसे क्यों सुधार रहे हैं कॉपी में तो नोट कर ही रहे हैं ना 2013 हो गया सर 2014 सर उसमें 13, 14, 12, 13 ऐसा लिखा भाई क्यों टाइम पास करें हमको तो मालूम है ना सर 2014 का निकालते हैं यस 2350 माइनस 2130 डिवाइडेड बाय 2130 इनटू 100 2350 माइनस 2130 डिवाइडेड बाय 2130 इनटू 100 तो सर ये आ गया 10.33 प्लस 6 तो 16.33% यहां भी शायद मिस्टेक है प्लीज इसको ठीक कर लेना सॉल्यूशन में वहां 10.33 ही लिख दिया गया है गलती से वो है 16.33% उस गलती को ठीक कर लीजिएगा प्लीज रिक्वेस्ट अब सर 2015 की बात करें दो हजार तीन सौ पचास इंटू 100
तो सर ये 9.79 प्लस कितना 7 तो 16.79 पर सर ये भी हो गया। क्या आरएफ भी निकाल सकते हैं? हालांकि आरएफ की मुझे अभी जरूरत नहीं है पर निकाल लेते। 6 + 6 + 6 याद रखना इन्हीं 3 साल का लेंगे। हम जब इसका ये पूरा ले रहे हैं इनका ये भी 3 ही साल का लेंगे। डिवाइडेड बाय 3 तो कितना जाएगा 6 वर्ष। ठीक है सर बात खत्म हो गई। अब हमारे काम की चीज हमको मिल गई है। हमारे काम की चीज क्या है देखा जाए तो हमारे काम की चीज है ये एक्स ठीक है और ये है वाई। तो x पता है y पता है तो अब x बार y बार स्टैंडर्ड बीटा निकालना है यार। बीटा किस किस के बीच में निकालना है? बीटा किस किस के बीच में निकाला जाता है? x और मार्केट। आरएफ की अभी जरूरत नहीं है। आरएफ की जरूरत क्या होगी बोला स्टेट योर ऑब्जर्वेशन बोलेगा ना। वो ऑब्जर्वेशन के लिए हम केई मतलब रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्ट रिटर्न में कंपेरिजन करके बताएंगे। ठीक है जी। तो सर चले काम आगे काम करें। यस तैयार हो आप लोग? अब टेबल बना रहे हैं हम लोग। उसमें जो टेबल बना है वो तीसरा मेथड से टेबल बना हुआ आप वैसा कर सकते हैं। मैं नॉर्मल जैसा करते वैसे कर रहा हूं। ठीक बीटा कैलकुलेशन की याद है मैंने 3 मेथड बताया था कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस। वही कॉलम बनाएंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें नॉर्मल फॉर्मूले में वही कॉलम बनाएंगे। ठीक है सर हम तैयार हैं। तो सबसे पहला कॉलम किसका होगा? ईयर। तीन ही साल है तो सर 1, 2, 3 सर। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एक्स जो कि हमने लिखा है कितना कितना है 12.24 32.41 मुझे ना देखकर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है पीछे वो कैलकुलेशन मिस्टेक इसी चक्कर में हुआ मेरा। ठीक है सर तो 32.41 और 16.13। ठीक है सर। तो क्या एक्स बार निकल सकता है यहां से? यस सर। नहीं पहले समेशन ऑफ एक्स निकल लेते। समेशन ऑफ एक्स तो ये आ गया 60.78 तो x बार इज इक्वल टू 60.78 डिवाइडेड बाय 3 तो 20.26। ठीक है यहां तक। यस आगे क्या होगा? आगे सर x माइनस x तो सर 12.24 माइनस 20.26 माइनस 8.02 12.15 4.13। ठीक है यहां तक। अब मैं x माइनस x बार स्क्वायर नहीं करूंगा। क्यों सर? करने में कोई दिक्कत नहीं है पर क्या मुझे फॉर्मूला पता है? यस। क्या है फॉर्मूले? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं जो फॉर्मूला है बीटा का फॉर्मूला है उसमें कोवेरियंस x और मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की तो कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती ना इसलिए मैं वो वाला कॉलम नहीं बना रहा हूं। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। सर सीधा y करेंगे कि यस y y कितना कितना निकला था? सर y निकला था 10.81
16.33 और 16.79। सर इसका टोटल कर लें क्या, ये आ गया समेशन ऑफ वाई। y is equal to 43.93 divided by 3, तो y bar is equal to 14.64। ठीक है, ठीक। तो सर अब क्या जाएगा, y minus y bar 10.81 minus 14.64 minus 3.83 1.69 2.15। इसमें वेरिएंस ऑफ मार्केट लगेगा, ठीक है। तो सर यहां करना पड़ेगा y माइनस y बार स्क्वायर, इसमें तो करना ही पड़ेगा। तो 3.83 इंटू इक्वल टू, तो सर ये आ गया 14.67 1.69 इंटू इक्वल टू 2.86 2.15 इंटू इक्वल टू 4.62। तो यहां जो टोटल आया सर वो आया समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर 14.67 प्लस 2.86 प्लस 4.662, तो ये आ गया सर 22.1। तो सर यहाँ क्या जाएगा, यहाँ का वेरिएंस ऑफ मार्केट, मार्केट ही है ना, मतलब सर ये आ गया इसमें 22.15 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 3। तो सर ये आ गया वेरिएंस ऑफ मार्केट 7.38% स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन करना होता तो फिर इसको स्क्वायर रूट कर देता, जो कि मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों करूं जबरदस्ती। मैं जबरदस्ती वाला इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं कर। अब हमारे मुद्दे की बात है x माइनस x बार y माइनस y बार, एक्चुअली क्या निकलेगा, कोवेरियंस। x माइनस x बार ये है हमारे पास और y माइनस y बार ये है। 8.02 माइनस इंटू 3.83 माइनस इज इक्वल, तो सर ये आ गया 30.72। 717 ले लूं क्या, चलो ले लो 12.15 इंटू 1.69, ये आ गया सर 20.533 और 4.13 माइनस में है, ओहो ये तो नहीं 2.15 माइनस 8.879 टोटल करें क्या, टोटल आ गया सर 42.371% स्क्वायर। तो कोवेरियंस एक्स और मार्केट इज इक्वल टू 42.371 डिवाइडेड बाय 3, तो सर ये आ गया 14.123% स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक सर आधा घंटा लग गया इस क्वेश्चन में, क्या करूं भाई मैं। तो फाइनली बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स और वाई डिवाइडेड बाय, तो सर 14.123 डिवाइडेड बाय 1.383
1.91 अप्रोक्स 1.897 है सर, थोड़ा तो वेरिएशन आएगा, 89 और 91 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चल जाएगा सर, चल जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव आप वैसे भी कर सकते हैं, इतना तो वेरिएशन आएगा, और अगर आप कहोगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, हमने भी राउंडेड ऑफ किया, उन्होंने भी। सर आंसर मैच नहीं होगा तो चलेगा क्या? देखिए मेरी बात समझो, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी मेथड से क्वेश्चन बनाना है? ऐसे भी बना सकते हो, मैं मना नहीं करूं, पर कभी इंस्टीट्यूट ने ऐसे बना रखा, कभी इंस्टीट्यूट ने ऐसे बना रखा, तो फिर मैं क्या करूं? कोई एक ना एक तो फॉलो करना पड़ेगा ना, अधिकतर इस मेथड से, तो हम इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर इस पे भी काट देता तो फिर भगवान ही मालिक है यार, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर हम ऐसा कर ले कि इस मेथड में आएगा, ये पूछेगा, ये को वाला क्वेश्चन रहेगा, तो इस मेथड से आपको करना है कर लो। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका, लेकिन कभी ये मेथड फॉलो नहीं किया बीटा निकालने के लिए, ये वाला टेबल कभी नहीं लगाया, आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको आजाद कर रहा हूं, इतना अगर आप याद कर सकते हो, इतना है हिम्मत तो याद कर लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है कि सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बीटा बोला, बीटा निकाल लिया, 1.91 है और उनका 1.89 है, तो थोड़ा सा अंतर है। अब काम की चीज, ऑब्जर्वेशन के लिए बोला, तो अगर मैं होता तो क्या ऑब्जर्व करता? सुनना ध्यान से, मैं होता तो मैं क्या सोचता? सर बीटा निकल रहा है, सुनना ध्यान से बेटे, मैं क्या बोल रहा हूं, बीटा निकला है 1.91, आरएफ दिया है ना, तो हो सकता है वो सीएपीएम निकालने के लिए बोले, तो मैं क्या करता, मैं एक इक्वेशन निकालता यार, एक्सपेक्टेड रिटर्न को छोड़ो, केई क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करता, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ कर देता, ये तो करता। ठीक है सर, तो आरएफ कितना लेता, 6, बीटा कितना निकला था, बीटा 1.91, या आप चाहो तो 1.89 ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन आरएम कितना है, आरएम तो निकला है ना सर हमारा, और आरएम कितना निकला था, आरएम ये निकला था सर 14.64, ये आरएम है ना, यस। माइनस क्या कर देता, 14.64 के बाद आरएफ कितना माइनस कर देता, 6, तो मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालता। ठीक है सर, तो 14.64 माइनस 6 इंटू 1.91 प्लस 6, और ये आ जाता 22.50, कि यार बीटा रिस्क के हिसाब से 22.50 की कमाई होनी चाहिए, 22.50% रिटर्न होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि आया कितना रिटर्न है रिस्क को देखते हुए, आया कितना है सर, आया है 20.26। ये कौन सी, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, डिविडेंड को, शेयर की प्राइस को, इन सब को देखते हुए। मैंने कहा एक्स लिमिटेड से, हम एक्स लिमिटेड बोल रहा हूं, कृष्णा लिमिटेड कि से हम कमा रहे हैं 20.26%, जबकि हमें कमाई कितनी चाहिए, हमें कमाई कितनी चाहिए, कहां गया भाई कुछ, हमें कमाई चाहिए 22%, कोई मतलब नहीं है, हमें जितना रिस्क है, जितना बीटा है, उसके हिसाब से 22.50% की कमाई चाहिए, जबकि जो कंपनी है वो कितना निकाल कर दे रही, 20 कम है रिटर्न है सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है, तो और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा ज्यादा है, तो ऐसी सिक्योरिटी को हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है ना यार, बीटा रिस्क को देखते हुए हमें 22% की कमाई चाहिए, 22%। यहां तक ठीक है, ठीक है सर, तो उस हिसाब से हमें नहीं खरीदना चाहिए, या हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसे बेच देना चाहिए। यहां तक ठीक है, ये समझना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें ज्यादा चाहिए सर, जितना बीटा को देखते हुए 22% रिटर्न है ना, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 22%, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 22 से ज्यादा चाहिए, यही होता, मैं यही ऑब्जर्व करता मैक्स टू मैक्स, ये क्यों करता, मेरा दिमाग क्यों चलता, क्योंकि आरएफ दिया है, तो हो सकता है कि यार ये मांगे। ICAI ने इस क्वेश्चन में हद पार कर दिया, और इसने कहा कि हम ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन हर साल का करेंगे, मतलब हम बीटा तो यही रखेंगे और हर साल का KE निकालेंगे और उसका हर साल के एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपैरिजन करेंगे। कोई लॉजिक है कि यार, इट मींस क्या किया ऑब्जर्वेशन के नाम पर, क्या किया है?
यही लिखवा रहा हूं क्योंकि यहां मेरे पास क्वेश्चन है। ये पीएम का इक्वेशन आपको पता है क्या? यस। तो उन्होंने सबसे पहले बात किया 2013 का और केई निकाला। केई सर, केई कैसे निकाला? केई का इक्वेशन आपको पता, आरएफ कितना है? वो तो 6 ही है सर। 6 वाला ये एवरेज वाला 6 क्या? नहीं भाई, उसने ये वाला 6 लिया। प्लस आरएम कितना है सर? आरएम वो एवरेज आया? नहीं, उसने एवरेज का तो कुछ किया ही नहीं, उसने आरएम ये वाला ले लिया 10.1% माइनस 6। और बीटा कौन सा लिया? बीटा जो निकला 1.91। तो 10.81 माइनस 6 इंटू 1.91 प्लस 6, तो उसका आंसर आ रहा है 15.19। और इस साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12.24। समझ रहे हो? अब ये कंपैरिजन कर लीजिए, ये और ये, क्या एक्स क्या रिक्वायर? यस, अगर ज्यादा तो नॉट बाय, पर उसका ये माना होल्ड करके रखा है तो बोले प्लीज आप सेल कर दो। बात समझ में आ रहा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केई ज्यादा है, केई ज्यादा है, केई ज्यादा है, तो भाई सेल कर दो। अगर मैं होता तो मैं लिखता बाय नहीं करेंगे। उसने कहा हमारे पास होल्ड है, सेल कर दीजिए उसके, क्योंकि हमें चाहिए 12, हमें चाहिए 15%। मैं 15 बोल रहा हूं चलेगा, हमें चाहिए 15, जबकि सामने वाला डिविडेंड वगैरह को देखते हुए कमाकर देगा 12.24। कमाकर दिया है, क्या ऑब्जर्वेशन है? मुझे समझ में नहीं आता। ऑब्जर्वेशन तो ऐसा होना चाहिए यार, फ्यूचर में क्या होगा। और ये किसकी बात कर रहा? पास्ट की बात कर रहा। पास्ट को देखते हुए सेल कर दी, कहां से पास्ट में कहां से एक्शन लोगे भाई? सर बुराई बहुत कम, बुराई कम कीजिए। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट करें? यस। ऐसी किसका करेंगे? 2014। मुझे जरूरत नहीं अब कुछ करने की, ये तो आपको पता लग गया। 6 प्लस बोलो कितना लेना? 16.33 माइनस 6 इंटू 1.91। ऐसी कब किसकी बात करेंगे? 2015 इज इक्वल टू 6 प्लस 16.79 माइनस 6 1.9 25.71। जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना? एक्सपेक्टेड रिटर्न है 32.41। सर रिटर्न ज्यादा है। यस, तो सर इसको बाय कर लो भाई, होल्ड करके रखा तो बाई क्यों? ऐसा लिख देता कि होल्ड करके रहेंगे करके, बोले बाई कर लीजिए। ठीक है, इसका देखिए 16 पॉइंट, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा, हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो इसको होल्ड करके रखो। 16.79 माइनस 6 इंटू 1.91 प्लस 6, तो सर 26.61। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कितना गया क्या? सर ये तो 16.13 है भाई, यहां भी क्या करो, सेल कर दो। ये ऑब्जर्वेशन है बस। तो सर एक बात बताइए ना, चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपने बना दिया, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो बोल रहे हो ऑब्जर्वेशन की ये ना करके हम एक ही बेस, जैसा आप बता रहे थे कि यार हम प्रॉपर एक्सपेक्टेड रिटर्न इसी का ले लेते हैं, आरएम एवरेज ले लेते हैं, आरएम एवरेज ले लिया, एवरेज मतलब जो निकाला था आरएम, टेबल की बात करो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, सीएपीएम के हिसाब से हम आरएम निकाल लेते, आरएम ये है, आरएफ तो 6% है, बीटा ये है, तो हम ये हर साल का ना करके हम फ्यूचर का करें, वैसे ही होना चाहिए 100%। तो फिर बच्चों ने पिछली बैच में मुझसे बोला कर था कि ठीक है ना सर, आप जो बोल रहे हो लॉजिकल हम वही कर लेते हैं, उसमें कोई समस्या तो होनी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही, होना भी ऐसी चाहिए, लॉजिकल है। इंस्टीट्यूट ने 0 नंबर दिया, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मैं कितना भी आपको ज्ञान दूं, जो बिल्कुल ये जो ये मेथड है बीटा का मेथड, बीटा किस मेथड, बीटा इस मेथड से निकल सकता, आईसीएआई ने हर बार अल्टरनेटिव आंसर बोला है, लगभग हर क्वेश्चन बोला कि अल्टरनेटिव आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बीटा के लिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मैं कहूं कि बीटा के लिए आप इस मेथड से भी बीटा निकालो, कोई समस्या नहीं, आईसीएआई अल्टरनेटिव आंसर देता है। लेकिन बात आती है सिर्फ इतनी कि सर हम लोग
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में कोई अल्टरनेटिव आंसर नहीं दिया तो ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। बीटा के लिए कोई दिक्कत मत लेना, बीटा के लिए अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव इस सॉल्यूशन में नहीं दिया, बाकी हर सॉल्यूशन में अल्टरनेटिव दिया हुआ है तो हम बीटा कैसे भी निकाल सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो डिस्कशन करना था, ये क्वेश्चन एक बार आपको एग्जाम से पहले देखकर जाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे जब तक पेपर से एग्जाम से पहले ना देखो। चले ऐसे ही वाला और एक क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस देखो। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हर क्वेश्चन में कुछ बात होगी, हाँ पहले ही बता दूं, नहीं तो सोचोगे सर ये क्वेश्चन तो हमसे खुद से बन जाना चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा बन जाएगा, थोड़ा समझने में मुश्किल है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दे रखा और मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर दे रखा, ठीक है। एक साल बाद मार्केट कंडीशन भी क्या क्या हो सकता है, गुड नॉर्मल और बैड, प्रोबेबिलिटी दे रखा 0.25, 0.5, 0.25 और मार्केट प्राइस ये हो सकता है, डिविडेंड ये हो सकता है। याद है ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे सर, हम रिटर्न निकालते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा इस बार, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 106, फेस वैल्यू 1, ठीक है। विच इज कम 10% बोनस डिबेंचर ऑफ ₹6 पर शेयर, सर ये बोनस डिबेंचर पहली बार नाम सुन रहा हूं, बोले शेयर का प्राइस जो है ना वो ₹106 है, पर इस ₹106 में शामिल है डिबेंचर जो कि बोनस के रूप में हमको मिलेगा, हमें एक्चुअल प्राइस लेना हटा दो, हमें एक्सक्लूडिंग प्राइस लेना होता है कभी भी, एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा। इट मीन्स इसमें क्या जुड़ा हुआ है, बोनस डिबेंचर ₹6 का, उसको हटाओ, हमें रियल वर्थ चाहिए और रियल वर्थ मतलब कॉस्ट, और कॉस्ट कितना, अगर ₹6 में यहां से हटा दूं तो एक्चुअल कॉस्ट कितना दिखाई दे रहा है, 100। इट मींस जो है हम बोनस को हटाकर जो ₹100 का कॉस्ट है, शेयर का प्राइस ₹100, वो 115 भी हो सकता है, 107 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, तो सर हम रिटर्न निकाल सकते, बस ये एक बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी, आगे भी एक पैराग्राफ दिया हुआ जरा समझते। मेसर्स एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैड ऑफर्ड द बायबैक ऑफ डिबेंचर एट फेस वैल्यू, सर जो कंपनी है उसने कहा हम आपको डिबेंचर दे देंगे बोनस के रूप में, और हम चाहो तो एक ऑफर भी है कि हम बायबैक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके विषय में बाद में सोचेंगे। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबिलिटी ऑफ इक्विटी से इफ बायबैक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर, ठीक है। ऑल्सो एडवाइस वेदर टू एक्सेप्ट द बायबैक ऑफर और नॉट, तो करना क्या कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और ये ₹6 जो है, ₹6 इसको हटाकर काम करें। कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना पड़ेगा, होल्डिंग पीरियड चेंज इन प्राइस, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं P1 - P0 प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 × 100। सर ICAI ने रुपीज में कैलकुलेट कर रखा, हम कभी भी रुपीज में कैलकुलेट नहीं करते हैं, रिटर्न परसेंटेज में ही कैलकुलेशन होगा, ठीक ठीक। तो सर सबसे पहला गुड कंडीशन में, सर 115 - 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 100 इनटू नॉर्मल कंडीशन,
107 माइनस 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 और बैड कंडीशन 97 माइनस 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 सर 115 माइनस 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 100 तो सर 24% आ गया तो 7 प्लस 5 डिवाइड सर 12% ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब जो हमारे काम का डेटा था अब हमको मिल चुका है। क्या हो सकता है रिटर्न 24% भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, 12% भी इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0% भी इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25। अब तो हम एक्सपेक्ट रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आसानी से निकाल सकते हैं? यस चलो टेबल बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोबेबिलिटी वाला है ना सर, पहला कॉलम जो आएगा वो आएगा पी, कितना कितना है 25, 50, 25, 50 और 25 अब क्या जाएगा एक्स 24, 12 जीरो पी सर, अब तो ये बड़ा आसान लगेगा टेबल, यह इसमें तो एक ही है तो 24 × 0.25 6, 6, 0 एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ गया एक्स 12 आ गया 12%, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। अब क्या करना है सर एक्स माइनस एक्स 24 माइनस 12 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू माइनस 12। अब क्या कर ले सर, आप कर ले एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 12 इंटू इक्वल टू इंटू 0.25 36 तो 0 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, तो सर ये कितना आ गया, ये आ गया 72% स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.48%। बस बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो बताइए भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 12% और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 8.48%। इस पॉइंट में दिक्कत नहीं है, ये तो आपसे बन जाता। अगला पॉइंट क्या है, क्या बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इट मींस आपके पास डिबेंचर है, बोनस में मिल चुके हैं आपको डिबेंचर, ठीक है। अगर आपको बोनस में डिबेंचर मिल गया है तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10%। कंपनी ने कहा कि बायबैक कर सकते हैं हम आपको पैसे दे देंगे भाई, यही मतलब होता है ना बायबैक का, बायबैक करके हम आपको पैसे दे देंगे। कब ऑफर एक्सेप्ट करोगे आप, ये मेरे ख्याल से बॉन्ड्स में आप पढ़ चुके हैं। अगर सर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, सर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है और कंपनी आपको 10% दे रही है, तो आप कभी भी बायबैक ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे। कंपनी हमें मंजूर है, हमारे पास रहने दो, हमें 10% आप दे रहे हैं मार्केट में। अगर मार्केट में 15% चल रहा है डिबेंचर पे 15%, तो सर आप कहोगे बायबैक हमारा पैसा दो, हम मार्केट में लगाएंगे 15%,
कमाएंगे। ये आंसर है, आईसीएआई ने अजीब अजीब सा आंसर लिख रखा है। आईसीएआई ने कंपैरिजन कर रखा है किससे, ये वाला 12%। भैया ये वाला 12% जो है ये तो शेयर्स पे है, इसका कंपैरिजन आप डिबेंचर से कैसे कर सकते हो यार। और भी कुछ कुछ लिख रखा, मैच्योरिटी पीरियड आपकी मर्जी, आप चाहो तो वही लिख लेना, याद कर लेना, कुछ भी लिखा होगा। अगर मुझे डिसीजन देना होता इस क्वेश्चन पे तो मैं डिसीजन कैसे देता। वो ऐसे होता, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जाता है कितने से, 10%, मार्केट में 10% मिलता तो एक्सेप्ट, पैसे दो हम मार्केट में लगाएंगे। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डोंट एक्सेप्ट, बस खत्म, इतनी सी बात है। उसने इतना सारा कुछ लिखा, सर फिर भी हमें तो आईसीएआई फॉलो करना पड़ेगा, तो लिख लेना, याद कर लेना भाई, सीधी सी बात है। उन्होंने देखो, जहां तक हो सकता है मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आईसीएआई ने जो किया वो आपसे करवाऊं जितना हो सकता है, पर जहां जो पानी है ना वो ऊपर से निकल जाएगा तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी आपकी समझ है, आप जो समझ लो अच्छी बात है। हम चले आगे। यस भाई सब, आरटीपी में डाला हुआ है और इतना गंदा क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आता कि बोल क्या रहा है। सीरियसली बता रहा हूं, समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और टाइम लगेगा समझने में, पढ़ने में, रीड करने में। इसको मैं प्रॉपरली करवाऊंगा, इसका मैं सॉल्यूशन देखकर नहीं बताऊंगा, इसको प्रॉपरली करवा देता हूं कि क्या है आखिर ये। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करता है, हालांकि उससे कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है, पर अब सुनना पड़ेगा आपको, सारी बातें सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करूं कि आप रीड कर रहे हो? सर हम करें क्या, समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, तो आप ही करो फिर। तो अभी वैसे सर इस क्वेश्चन में करना क्या मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते आराम से, फिर सोचेंगे कि क्या पूछ रहा है। लिखो, द डायरेक्टर्स ऑफ इम्प्लांट इनकॉर्पोरेशन विशेष टू मेक एन इक्विटी इश्यू, बोले इनकी इच्छा क्या है। बोले इच्छा ये है कि हम इक्विटी इश्यू करेंगे। ठीक है, करो। फाइनेंस, टू फाइनेंस, बोले इक्विटी किसके लिए इश्यू करेंगे, किस वजह से। बोले हम फाइनेंस करेंगे $10 million एक्सपांशन कर रहा है स्कीम, विच हैज एक्सेप्टेड, नहीं है एक्सपेक्टेड है, मिसप्रिंट, विच हैज एन एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ $2.2 million एंड टू रीफाइनेंस एन एग्जिस्टिंग $6 million 15% बॉन्ड्स ड्यू फॉर मैच्योरिटी इन 5 years टाइम। अर्ली रिडेम्पशन ऑफ दिस बॉन्ड्स देयर इज ए $3,50,000 पेनल्टी चार्जेस। बाप रे बाप, कुछ समझ में नहीं आया कुछ। चलो कोशिश करते, यहीं तक बात समझने की कोशिश करते, यहां तक, पहले यहां तक बात समझते। सर एक कंपनी है जिसका नाम है इम्प्लांट लिमिटेड, ठीक है, और सर ये किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रहा है। ठीक, कितना सर पैसा लगाने का सोच रहा है, $10 million। ठीक, पैसा कहां से आएगा, तो बोले पैसा आएगा इक्विटी से। तो इक्विटी कितने का इश्यू कर रहा है वो नहीं बताया कि इक्विटी कितने का इश्यू कर रहा है, बस वो बताया कि यहां 10 million लगा देंगे। ठीक है, और ये भी बता दिया कि जो 10 million लगाएंगे उससे एनपीवी आएगा, और एनपीवी कितना आएगा, $2.20 million। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आगे बढ़े। एंड टू रीफाइनेंस एन एग्जिस्टिंग $6 million 15% बॉन्ड्स ड्यू फॉर मैच्योरिटी इन 5 years। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि बोल क्या रहा,
रिफाइनेंस एग्जिस्टिंग डॉलर 6 मिलियन 15% बॉन्ड्स एंड भी लिखा है इक्विटी से जो पैसा आएगा कितना आएगा पता नहीं पर जो भी आएगा एक तो प्रोजेक्ट में लगाएंगे और रिफाइनेंस करेंगे एग्जिस्टिंग डॉलर 6 मिलियन 15% बॉन्ड्स ड्यू फॉर मैच्योर रिफाइनेंस करेंगे मतलब रिफाइनेंस पता नहीं फॉर अर्ली रिडेम्पशन ओ हो एक बात समझ में आई फॉर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ दिस बॉन्ड्स मतलब सर अर्ली रिडेम्पशन मतलब बॉन्ड्स का जल्दी से रिडेम्पशन कर सकते हैं क्या हाँ बॉन्ड रिफंडिंग याद है हाँ सर अगर मार्केट में हमें कम रेट पे पैसा मिल रहा है तो भले ही बॉन्ड्स की लाइफ अभी 5 साल क्यों ना हो बॉन्ड्स की लाइफ 5 साल है बाकी पर उनको अभी की अभी हम पैसे दे देंगे कहां से उठा के दूसरे बॉन्ड्स से उठा के इनको पैसे दे देंगे पर यहां दूसरे बॉन्ड्स वॉन्ड्स से पैसे नहीं उठाना है यहां इक्विटी से फाइनेंस हो रहा है इक्विटी से जो पैसा आएगा उसमें हम बॉन्ड वाले को पैसे वापस कर देंगे तो सर फायदा क्या है फायदा अभी हमारी जेब से जाएगा बॉन्ड रिफंडिंग की बात हो रही है तो सर हम क्या करेंगे बॉन्ड रिफंड कर देंगे ठीक हमारे जेब से पैसा कितना जाएगा डॉलर 6 मिलियन 00 में लिख दू ना सर इन सबको 00 वो मैं कर लूंगा ठीक है 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा आंसर आ जाएगा ठीक ठीक है सर 6 मिलियन के बॉन्ड्स रिफंड हो जाएंगे लेकिन हमारा फायदा क्या भाई जो इंटरेस्ट देना था वो तो बच जाएगा सर उस पर टैक्स सेविंग्स यहाँ टैक्स वैक्स का कोई रेट नहीं है सर आगे क्वेश्चन तो आपने पढ़ा नहीं है भाई मैं पढ़ चुका हूं ना यार पहले मेरी बात सुनो टैक्स का कोई रेट नहीं तो सर जो इंटरेस्ट दे रहा था ना मैं पुराने बॉन्ड्स पे वो इंटरेस्ट बच जाएगा लेकिन सर इंटरेस्ट जो नया बॉन्ड ही नहीं ले रहा हूं ना भाई मैं इक्विटी से दे रहा हूं अच्छा तो सर सीधी सीधी बात है इंटरेस्ट बचेगा यस सेविंग इन इंटरेस्ट हर साल बचेगा हर साल कितना सर डॉलर 6 मिलियन का 15% सर डॉलर 9 लाख का इंटरेस्ट बचेगा पहले साल दूसरे साल तीसरे साल तो इसका सर प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे यस पीवीएफ ले लेंगे जो भी रेट होगा अब वो रेट हमको देखना पड़ेगा पीवी और साथ में हमें वापस भी तो करना पड़ता ये 6 मिलियन कब वापस करना पड़ता ये 5वें साल में वापस करना पड़ता अब क्योंकि यही वापस कर रहा है तो ये भी पैसा बचेगा पीवीएफ कितने साल का 5 साल का ये हमारा क्या हो जाएगा सेविंग्स तो बॉन्ड्स रिफंड करेंगे आज पैसा आज जाएगा लेकिन उसकी वजह से एक तो इंटरेस्ट बचेगा मैं हमारा हर साल का और जो 5वें साल में पेमेंट कर रहा था वो भी बच गया क्योंकि पेमेंट तो आज ही कर दिया हमने ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है बात समझ में आ गई हाँ लेकिन एक खर्चा भी है आप ये जो बॉन्ड्स होल्डर है ना उनको पैसा वापस कर रहे हो तो इसका बोले पेनल्टी लगेगा और कितना वहां सर वहां तो प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना होता था वो बॉन्ड रिफंडिंग में यहां बोला है कि इसके लिए भैया आपको पेनल्टी देना पड़ेगा तो ये भी पैसा हमारी जेब से जाएगा कितना डॉलर 3,50,000 ठीक है सर आगे बढ़े द कंपनी हैज आल्सो ऑब्टेन अप्रूवल टू सस्पेंड दिस प्री एम्पटिव राइट्स सर मतलब राइट होता है ना अगर शेयर इश्यू करते हैं तो आईपीओ लाते हैं तो उन लोगों को पहले अधिकार दिया जाता है जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर बोले ऐसा कोई राइट सब हमने सस्पेंड कर दिया पता नहीं ऐसा क्यों बोला आगे क्या बोल रहा है एंड मैक डॉलर 15 मिलियन प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स विच विल बी एट ए प्राइस ऑफ डॉलर 0.5 पर शेयर सर ये क्या बोला है बोले हम नए शेयर इश्यू कर रहे हैं यहां आकर बोल रहा कि हम नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं कितने के डॉलर 15 मिलियन न्यू शेयर्स डॉलर 15 मिलियन के तो नंबर ऑफ शेयर्स न्यू शेयर्स कितने के डॉलर 15 मिलियन तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने एक शेयर 0.5 का तो डिवाइडेड बाय 0.5 कर लो
तो सर नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। $15 million डिवाइडेड बाय 0.5 तो सर करीब करीब कितना होगा यार, 30 million। शेयर्स इश्यू हो गए, नए शेयर्स कितने इश्यू हो गए, 30 million शेयर इश्यू हो गए। ठीक, द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इश्यू विल बी 4% ऑफ ग्रॉस प्रोसिट्स। जो 15 million है ना, इसका फ्लोटेशन कॉस्ट भी लग जाएगा। कितना? $15 million आएगा उसका फ्लोटेशन कॉस्ट। सर 15 million का 4% $60,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगेगा। क्या करना क्या है सर, लिखते जा रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर एक बार ये क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो बनेगा ही नहीं। इट मीन्स एक बार किया होना चाहिए क्वेश्चन, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। अभी मैंने कुछ क्या करना है मुझे भी नहीं मालूम, बस किए जा रहा है, पढ़े जा रहे हैं क्वेश्चन। एनी सरप्लस फंड फ्रॉम इश्यू विल बी इन्वेस्टेड इन IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच इज करेंटली यील्ड 10% पर एनम। सर ये क्या बोला है, एनी सरप्लस फंड फ्रॉम इश्यू, इश्यू किया है डॉलर 15 million का, प्रोजेक्ट में लगा दिया 10, पता नहीं, बोले जो भी सरप्लस फंड होगा उससे आप 10% की कमाई करोगे। सोचेंगे, आगे चलते। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज एज अंडर। ऑर्डिनरी शेयर्स $1। सर ये शेयर्स दे रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व, ठीक है। सर ये नंबर ऑफ शेयर्स है कि ये अमाउंट है, क्या फर्क पड़ता है? एक रुपए का एक है तो इसी को आप नंबर ऑफ शेयर्स मान लो, इसी को अमाउंट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से बॉन्ड्स है और डिबेंचर्स, ठीक है, आगे चलते। ओहो अभी तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ। हाँ सॉल्यूशन इतना सा है, इतना सा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, समझ, इतना टेक्निकल लैंग्वेज डाल दिया है। करंट शेयर प्राइस इज $2 पर शेयर। करंट शेयर प्राइस है $2 अभी जो प्राइस चल रहा है। अभी शेयर्स है कि हमारे पास, यस हमारे पास, हम ₹1 बता रहे हैं, एक्चुअल में कितने का है, $2 का है, ₹2 बोल दिया, $2। एंड डिबेंचर प्राइस $103 पर डिबेंचर। डिबेंचर का क्या करना, बोले डिबेंचर का भी प्राइस दे दिया और डिबेंचर का बोल रहा है $103, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। सर इसकी क्या जरूरत है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। जब यहाँ PVF करेंगे सर तो हमें 10% से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, आगे चलते हैं। इट मे बी फर्दर प्रेज्यूम दैट स्टॉक मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज यूज ऑफ फंड फ्रॉम द इश्यू हैज बीन मेड अवेलेबल टू पब्लिक। मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब कहता है कि यार हमारे यहाँ ये जो भी इंफॉर्मेशन है जो अभी बताया गया है कि हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, उससे NPV आएगा, हम नए शेयर्स भी इश्यू कर रहे हैं, हम बॉन्ड्स का भी रिफंडिंग कर रहे हैं, इन सब का इफेक्ट, मेरे फिर से बोल रहा हूँ सर, पब्लिक में, पब्लिक की बात करो तो बोल रहे स्टॉक मार्केट इज सेमी एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज यूज ऑफ फंड फ्रॉम द इश्यू हैज बीन मेड अवेलेबल टू पब्लिक। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिक को नहीं आई है, पर वो आएगी, उसका जो भी है उसका इफेक्ट तो आना ही आना है सेमी स्ट्रॉन्ग में, पर अभी तक नहीं आई है। इट मीन्स ये जो $2 है ना, ये $2 में कोई इफेक्ट नहीं आया भाई, ठीक है। यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। आपको निकालना एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ कंपनी वंस फुल डिटेल ऑफ प्लेसमेंट एंड टू विच द फाइनेंस इज टू बी पुट एन अनाउंस। वो कह रहा कि भाई यहां जब $2 था कीमत, तब तक ये इंफॉर्मेशन का इफेक्ट इस पे नहीं आया था, पर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे बॉन्ड्स, इन सब का इफेक्ट शेयर की प्राइस पर आ जाना चाहिए, ऐसा प्राइस निकाल कर बताइए। दैट्स इट, कहानी बस इतनी सी। क्यों करवा रहे सर इस क्वेश्चन को? करवाना मजबूरी आ सकता है, इसी वजह से करवा रहा।
सर करें स्टार्ट कहां से करें? कुछ नहीं, कैश फ्लो निकालो। सर कैश फ्लो मतलब पहले शेयर का प्राइस क्या था, मार्केट वैल्यू, उसके बाद जो जो भी कैश फ्लो दिख रहा है कि कहां से पैसा आ सकता है, जो कैश आउट, सबको प्लस माइनस करके फाइनल आंसर पर पहुंचते। सर कैसे करना होगा वो मैं आपको बताते चलता हूं, ठीक है? तो चलें काम करें। सर एक टाइप से क्वेश्चन रटने जैसा है, हाँ ना भाई, मैं कब मना करूं? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 7 मिलियन, और उसका मार्केट प्राइस क्या है? सर $2, वो तो है ही है तो उसको तो लेना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लो। सर इसको अगले पेज में बनाए क्या? चलो यही बनाते हैं यार, क्या टेंशन लेना। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितने शेयर्स है? 7 मिलियन। $2 का सर, 14 मिलियन। सर अब इसमें क्या, कुछ नहीं करना, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो बस। तो सर कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट में पैसा है तो आया भी तो है, एनपीवी पे देखो गया और आया, जो फ्यूचर में आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मैं कहूं इसको माइनस दिखाएंगे तो जो आया उसको प्लस दिखाएंगे, उसकी अपेक्षा एनपीवी दिखा दो ना भाई। ठीक है सर, ये भी सही है। तो यहां क्या जाएगा, एनपीवी, एनपीवी कितना है सर? $2.20 million। ये भी प्लस ही होगा, ठीक है सर, ये भी प्लस होगा। इसके अलावा और क्या, और पैसे कहां से आएंगे? सर पहले इसकी बात करें, न्यू शेयर्स जो इश्यू करे उससे भी पैसा आएगा, यस, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। $15 million, लेकिन इसका फ्लोटेशन कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। डॉलर कितना था फ्लोटेशन कॉस्ट? $6 million। 6 मिलियन नहीं सर, अच्छे से देख लीजिए, एक बार कैलकुलेट भी कर लीजिए, 15 मिलियन, 15 लाख है कि 15 मिलियन है? सर 15 कहाँ था, 15 मिलियन है, 10 और होना चाहिए ना यार। ठीक है 15 मिलियन, तो सर 15 मिलियन इंटू कितना परसेंट था फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट 4%, 6 लाख। ये माइनस हो जाएगा है ना, और ये 15 मिलियन है। मैंने एक सर इसको अच्छे से लिख देते हैं, अभी ठीक है। ठीक है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद और पैसा कहां से आ सकता है, कहां जा सकता है, ये सारा काम हो गया। सर नंबर ऑफ शेयर्स वो तो डिवाइड कर देंगे ना हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
बॉन्ड रिफंडिंग का पैसा जाएगा। मिलियन ऐसा जाएगा, साथ में पेनल्टी भी जाएगा। पेनल्टी कितना कितना था? पेनल्टी डॉलर 3.5 लाख। सब इंफॉर्मेशन का इफेक्ट आएगा इसमें, ठीक है सर। पेनल्टी भी हो गए। अब एक फायदा है बॉन्ड रिफंडिंग से, सेविंग इन इंटरेस्ट। छह मिलियन का 15% डॉलर 9 लाख, और 10% का 5 साल तक, तो 1/1.10 1, 2, 3, 4, 5 GT 3.791। ये पैसा बचेगा। तो सर ये बचेगा 3411900, और इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल बॉन्ड कितना था सर? $6 मिलियन। और ये पैसा बच जाएगा पांचवें साल में जो देना था, तो 1/1.10 1, 2, 3, 4, 5 0.621। तो सर 6 मिलियन इंटू पॉइंट सिक्स टू, तो सर ये भी पैसा बचेगा 3726000। और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा सर? ये वाला पॉइंट बचा हुआ है ना सर, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। Any surplus fund from issue will be invested in Indian depositories. इसका ICAI ने कुछ नहीं किया, तो मेरा ये मानना, वैसे करना चाहिए, हो सकता था, पर मेरा ये मानना है कि वो बताना चाह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट 10% ले लेना, ऐसा मैं सोच रहा हूं। बाकी कुछ किया भी जा सकता है, पर मुझे यहां एक्स्ट्रा, वैसे ये क्वेश्चन यार बड़ी मुश्किल से संभाल पाए, पता नहीं संभाल पाओगे कि नहीं। तो अब जैसा है करने, इसका कोई यूज नहीं है, बस ये मान के चलो कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया। तो सर सब कैश फ्लो को जोड़ ले क्या? हाँ जी, को जोड़ लेते। तो सर 14 मिलियन प्लस 22 लाख प्लस 15 मिलियन माइनस 6 लाख माइनस 6 मिलियन माइनस 350,000 प्लस 3411900 प्लस 3726000। तो सर ये आ गया $313,879,000। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी, पहले से कितना मिलियंस है? 7 मिलियन, और नया कितना है सर? 30 मिलियन। तो सर ये आ गया 37 मिलियंस। तो यहां क्या जाएगा? एक्सपेक्टेड प्राइस, डिवाइडेड बाय 37 मिलियन। तो सर ये ओहो कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा नहीं, सही सही सही, मैं सोचा इतना कम कैसे आ गया। 0.84, ठीक है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश किया, हालांकि आप भी जानते हो कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं जानता हूं नहीं आया होगा, पर यार एक क्वेश्चन करके तो जाना, प्लीज चले जाना। आईसीआई कभी भी धोखा दे देगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज आरटीपी में डाला हुआ है, प्लीज सर। आरटीपी कौन सी? आरटीपी मई 2019 में डाला हुआ है। आरटीपी में 2000, और आप चाहो तो मैं इसे YouTube में भी डाल